This conference will now be recorded. हाँ भैया, प्रणाम भैया। भैया म्यूट है। ठीक आ रहा है। हाँ भैया, अब ठीक, अब ठीक। अच्छा, थोड़ा सा मैं वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ। हाँ, अभी अभी ठीक है ना? अभी ऑडियो और वीडियो दोनों ठीक आ रहा है? हाँ भैया, आप ठीक आ रहा। तो ठीक है, ठीक है। पहले तो मैं भैया के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, और उसके बाद मैं भैया पे छोड़ दूंगा और कुछ सवाल मैं शुरुआत करूंगा, जो बेसिक कुछ सवाल हैं। उसके बाद फिर आप लोग जो पूछना है आप लोगों को भैया से पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था भैया के बारे में कि किस तरीके से पूरा जीवन भैया ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में काम किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी, जो मैंने अभी भी भैया थोड़ी देर पहले जब फोन पे बात हो रही थी और पहले भी, कि आप लोगों को ये बताना और आप लोगों को ये समझाना कि पब्लिक सर्विस की वैल्यू क्या होती है। बहुत से लोग अलग अलग करियर चॉइसेस देना चाहते हैं, तो जब हम पब्लिक सर्विस की बात करते हैं तो क्या, क्यों, मतलब सबसे पहली चीज तो ये है कि क्यों, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें वहां पर अट्रैक्ट करती हैं। और उससे भी बड़ी चीज की शुरुआत में तो सबको लगता है कि हाँ बहुत बड़ी चीज है, बट उससे भी जो बड़ी चीज है वो ये कि जो चैलेंजेस हैं पूरी सेवा के दौरान वो क्या हैं। तो सबसे जो पहला जो सवाल भैया से मैं पूछूंगा वो यही आप लोगों के बिहाफ से, कि एक तो पब्लिक सर्विस के बारे में बताएं, व्हाट इट्स लाइक टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या किस प्रकार के चैलेंजेस हैं भैया आपके लिए। हाँ अनुराग, अच्छा प्रश्न है आपका। तो एक तो पब्लिक सर्विस के बारे में, मतलब मैं कहूंगा कि एक वास्ट फील्ड है। शासन और प्रशासन में भावना, डॉक्टर भावना भी आ गई है मेरे साथ में। भाभी भाभी प्रणाम। नमस्कार। भाभी के बारे में मैं, भैया खुद ही बता देंगे मैं क्या बोलूं। मेरी धर्मपत्नी है डॉक्टर भावना, यहीं पर कोल्हान विश्वविद्यालय में ही शिक्षा शास्त्र की प्रवक्ता है। बीएड जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रवक्ता है, और करीब लगभग पिछले 15 वर्षों से शिक्षण प्रशिक्षण में ही है। जो शिक्षकों का प्रशिक्षण होता है उसमें विभिन्न पदों पर विभिन्न भारतवर्ष में मेरे साथ ही साथ लगभग रही हैं। जहां जहां मैं रहा हूँ वहीं पे इन्होंने अपना समय समय पर योगदान किया है। और उसके अलावा मेरी तरह इनका भी जो बच्चों के मार्गदर्शन और उसमें उनके व्यक्तित्व विकास में जो योगदान रहता है वो एक हॉबी है। और इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण पर 11 पुस्तकों का भी लेखन किया है। इनकी 11 पुस्तकें पाठ्य पुस्तक के रूप में बीएड कॉलेजेस में चल रही हैं। और भाभी से आप लोगों का मार्गदर्शन अब लगातार होता रहेगा। तो मेरे समझ से अनुराग, हम लोग जो सिविल सर्विस पर बात कर रहे थे वो मैं पूरी कर लेता हूँ। फिर आगे के जो प्रश्न प्रति प्रश्न होंगे बच्चों के, वो उनका स्वागत रहेगा। तो
सिविल सर्विसेज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज मुख्य रूप से जो लोक प्रशासन में, क्योंकि कई प्रकार की सेवाएं हम लोग करते हैं, हर एक जो देश का नागरिक है वो किसी न किसी रूप में अपना योगदान देता ही है देश के विकास और वृद्धि में, तो वो भी सेवाएं हैं। लेकिन सिविल सेवाओं का ये महत्व है कि बेसिकली जो शासन है, जो किसी भी देश का, मतलब मैं पहले एक मतलब जो एक सैद्धांतिक रूप से वो बताना चाहूंगा पहले कि किसी भी प्रशासन में जो लिंकेज होता है, जो मतलब जुड़ाव होता है, मेरे ख्याल से मिक्सड मीडियम से अनुराग चलेगा ना, कोई मतलब बीच बीच में कोई अंग्रेजी अरे उसमें किया जाए तो कोई असुविधा नहीं है। नहीं, कोई असुविधा नहीं भैया, इंग्लिश हिंदी दोनों चलेंगे, मिक्स आराम से हाँ, चलते क्योंकि ही रहेंगे। जिससे कि सभी को समझ में आए, और उसमें भी रोक सकते हैं कोई चीज आपको अगर रिपीट करवानी है या कोई चीज पे और कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रशासन है वो टॉप लेवल से जो ग्रास रूट लेवल तक लाने के लिए जो अलग अलग टीयर में, जैसे केंद्रीय स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, जिला स्तर पे है, फिर तहसील स्तर पे है, ब्लॉक स्तर पे है, आने वाले समय में हम पंचायत स्तर पे भी प्रशासन देखेंगे, तो इन सभी स्तरों पे जो डिलीवरी है, जो मतलब शासन की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो नीतियों के अनुसार जिनका योगदान होता है कि वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं। ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो विभिन्न प्रकार के शासन प्रशासन के क्षेत्र हैं उनको सभी को लोक सेवा के आप सिविल सर्वेंट कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन है। और हमारे देश में सिविल सर्विसेज पे जो एंट्री है वो विभिन्न स्तरों पर है, लोएस्ट लेवल पे भी एंट्री है सिविल सर्वेंट्स की, जो कि जो अधीनस्थ सेवा आयोग या उनके माध्यम से लेखपाल, कानूनगो और ये सब पदों पर नियुक्तियां होती हैं, उससे ऊपर फिर तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्तर पर जो स्टेट के लोक सेवा आयोग है उनसे नियुक्तियां होती हैं विभिन्न इनके प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, और हाईएस्ट लेवल पे जो नियुक्तियां होती हैं ग्रुप ए और ऑल इंडिया सर्विसेज में, जिनको हम बोलते हैं, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, हालांकि एक अलग उसका प्रतियोगिता होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की। तो ये एक कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम, और जो विभिन्न जो जो भी हमारे बच्चे अलग अलग अगर विशेषज्ञताओं के हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के हैं वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जा सकते हैं, जो साइंस या एग्रीकल्चर मतलब बायोलॉजी या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं वो फॉरेस्ट सर्विस में जा सकते हैं। इस प्रकार से जो अलग अलग हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। तो ये मोटे तौर पे एक सिविल सर्विसेज के बारे में इंट्रोडक्शन था मेरा। और अब अनुराग आप बताएं कि और मतलब आगे क्या कहना चाहेंगे। हाँ जी, तो एक जो इन लोगों ने पहले सबसे पहले मेरे से बोला कि जो सबसे जहां से शुरू किया जाए, तो इनका ये कहना था कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे जो आईएएस है, आईपीएस है, जो इस तरह की सेवाएं हैं, और उसमें भी इसमें से बहुत से लोग हैं जो आईपीएस के बारे में बड़ी रुचि रखते हैं, तो क्या मतलब किस प्रकार से हमारा कैरियर वहां आगे बढ़ता है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और जो एक बेसिक सवाल है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे ये मोटिवेशन निकाल सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इनको ड्राइविंग फोर्स के तौर पर काम करेंगी। बहुत अच्छा सवाल है कि पहली चीज तो देखिए, किसी भी उद्देश्य के लिए आप जीवन में कोई भी अपना उद्देश्य लेके चलते हैं तो पहले तो आपको उस उद्देश्य के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा काम भी करना चाहते हैं तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ, मतलब आपका गोल क्या है। सबसे पहले आपका जो एम और गोल आपको फिक्स करना है,
उसमें अपनी जो प्रतिभा अपनी योग्यता है उसका एक निष्पक्ष आकलन या तो आप स्वयं कर लें या जो आपके विशेषज्ञ हैं जो लोग आपके माता-पिता हैं आपके गुरुजन हैं वो लोग अपने आपकी योग्यता का आकलन करके आपको बता सकते हैं कि क्या आपके लिए फील्ड उचित रहेगी और फिर उस फील्ड में कैसे जाना है उसका जो रास्ता जैसे मैंने अभी बताया कि विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। यहाँ पे एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि लाइफ में कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती है, ये सब एक सापेक्षता वाली बात है। आज जिसको आप बड़ा समझ रहे हैं वो हो सकता है कि आज से 15 साल या 20 साल पहले वो भी एक स्ट्रगलर रहा हो। तो उसमें पहली चीज तो ये है कि किसी भी जब आप अपना गोल फिक्स करते हैं तो उस गोल को लेके कभी भी विचलित नहीं होना है। अगर कभी कोई परेशानी भी आती है कभी कोई असफलता भी आती है तो हो सकता है वो असफलता इसलिए हुई हो कि आपने जितना प्रयास आपको आवश्यक था उतना प्रयास आपके द्वारा नहीं हो पाया या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो कि आपको समय पर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई जिसकी वजह से आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाया। उससे ये कतई साबित नहीं होता है कि आप किसी भी चीज के लिए अक्षम है या उसके लिए आप उपयुक्त नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसमें आप अपनी योग्यताओं का पुनः आकलन करके किस चीज में आप आगे जा सकते हैं या जो आप प्रयास कर रहे थे उसी में और कुछ अतिरिक्त प्रयास करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से ये एक मतलब एक जो भी आप में से साइंस के विद्यार्थी हैं वो साइन कर्व के बारे में जानते होंगे कि साइन कर्व में पॉजिटिव पीक आती है फिर जीरो आता है फिर नेगेटिव पीक आती है, नेगेटिव पीक के बाद फिर जीरो आता है फिर पॉजिटिव पीक आती है। तो मतलब ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षाएं या सिविल सेवा या इसमें कोई भी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं होती है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो कोई भी सिविल सर्वेंट्स नहीं रहे थे लेकिन उन्होंने भी जो देश के लिए योगदान किया है वो अतुलनीय है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयास करने चाहिए और एक मेरा और मानना है कि सत प्रयास करने से आपके अगर मन वचन और कर्म तीनों से आप अच्छे प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज और जो जहां से मैं मतलब एक और इसी से उठाते हुए सवाल कि जो एक तो ये है कि ये लोग पब्लिक सर्विस के लिए सब तैयारी कर रहे हैं और सब कोई ना कोई किसी न किसी सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद इनका क्या रास्ता होगा जब आज ये अपने विचार को बनाएंगे कि मुझे कौन सी सेवा लेनी है या कौन से लक्ष्य मुझे रखना है, कोई आईएएस बनना चाहेगा कोई आईपीएस बनना चाहेगा। तो अगर हम सेवाओं पर ही बात करें जैसे कि इंडियन पुलिस सर्विस में आपका अनुभव है, तो अंदर जब ये जाएंगे तो ऐसी कौन सी चीजें इनके लिए कौन आवश्यक होंगी जिनको ये अभी सोच करके मोटिवेट हो सकते हैं या वहां से ऊर्जा या मोटिवेशन ले सकते हैं पुलिस सेवा के अंदर? देखिए पुलिस सेवा में सर्वप्रथम तो आपकी जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उसकी आवश्यकता है। उसके लिए जो रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो एक अधिकारी के लिए आवश्यक हैं कि आपकी मिनिमम कितनी लंबाई होनी चाहिए, क्या आपका स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वास्थ्य स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, उसके विषय में उचित होगा कि जो भी आपके नजदीक के जो भी कोई एक अच्छे डॉक्टर या कोई अच्छे प्रैक्टिशनर हैं जिनका कि इस मतलब नॉर्मल चिकित्सा के अलावा इस प्रकार के जो मेडिकल एग्जामिनेशंस हैं उसमें अगर उनका कोई उपयोग रहे। जनरली जो भी जिला अस्पताल होते हैं उनमें या जो हमारे जो फोर्सेस के जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं पुलिस के मेडिकल ऑफिसर्स हैं इनका अच्छा इस बारे में अनुभव होता है तो उनसे एक बार अपना खुद का एक कर लें कि क्या आप उस सेवा के लिए जो मानदंड है जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उस पे आप फिट
बैठते हैं, क्योंकि कई बार मैंने ये देखा है कि कई जो प्रतियोगी हैं वो लोग अपने आप को ओवर एसेस कर लेते हैं, मतलब उनको अगर कोई समस्या है, कोई अगर स्टैंडर्ड्स पूरा नहीं कर रहे हैं फिर भी वो उसमें प्रयास करते हैं, तो वो एक उसमें एक आपका डिमोटिवेटर भी होता है और उसे एक फ्रस्ट्रेशन होता है, जो कि आप अगर पहले से ही उसको केयरफुली वे कर लेंगे उस अपॉर्चुनिटी को, तो वो आपको पता लग जाएगा कि आप उसके लिए योग्य होंगे या योग्य नहीं होंगे। तो ये एक मानदंड जो है वो मानदंडों के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जो भारतीय पुलिस सेवा और जो दूसरे यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं उनके बारे में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं, और अगर अनुराग जी चाहेंगे तो अलग से भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं जो कि सर्कुलेट किए जा सकते हैं, तो उनको एक बार केयरफुली देख लें और उन स्टैंडर्ड्स को पे आप खरे उतर रहे हैं ये देख लें। महिला अभ्यर्थियों और पुरुष अभ्यर्थियों दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स हैं, तो अपने अपने जो श्रेणी है उसके हिसाब से दे दें। जैसे जो अनुसूचित जनजातियों के कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए कुछ अलग छूटे हैं, तो वो सब चीजों को देख के आप अपनी श्रेणी और अपने हिसाब से अपनी उपयुक्तता जो है वो देख लें, और अगर आप उसमें उपयुक्त हैं तो फिर आगे जो उसका सिलेबस और जो उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके बारे में भली भांति तैयारी कर सकते हैं। ये मैं सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें कई कैंडिडेट ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल आगे बढ़ जाते हैं कि भाई ये सिलेबस है, कम्पिटिशन है, वो अपनी जगह है लेकिन जो मानदंड है वो भी अपनी जगह है, इनका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो ये फिजिकल और एट्रीब्यूट्स की और जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बात हो गई। अब आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहें, हालांकि एक सवाल मैं और भैया से पूछना चाह रहा था, वो ये कि जैसे बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि प्रेशर बहुत होता है जॉब में और क्या चैलेंजेस होते हैं जॉब में जाने के बाद में। कुछ लोग जो पुलिस सेवा वाले हैं वो कह रहे थे सर सोने को नहीं मिलता है और ऐसा होता है, बहुत दबाव होता है। तो एक इस विषय पर भी जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं या बहुत सारी चीजें हैं उन पर भी थोड़ा मार्गदर्शन भैया। बिल्कुल सही सुना है, जो भी आपसे प्रश्न पूछे हैं बिल्कुल उपयुक्त प्रश्न है और अच्छा एक प्रश्न है कि देखिए किसी भी सिविल सेवा में आप जाएंगे, इवन मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज को आप छोड़ दीजिए, इवन जो आप लोएस्ट रंग पे भी जाएंगे तो एक आपके ऊपर एज ए सिविल सर्वेंट आपके ऊपर एक पॉपुलर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोगों की आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। हम आप खुद ही इस चीज को एसेस कर सकते हैं कि एक व्यक्ति सामान्य कोई काम कर रहा है उसके पास आप जाएंगे, और जबकि आप किसी सिविल सर्वेंट के पास में अगर वैसे ही जाते हैं, अगर किसी काम से नहीं भी जाते हैं तो आपका उसके विषय में ये रहता है कि भाई ये व्यक्ति निष्पक्ष होगा, ईमानदार होगा, मेहनती होगा, ये अपने काम पर के प्रति गंभीर होगा, और ये अगर मैं इसको कोई अपनी समस्या बताऊंगा तो उस समस्या के समाधान के लिए भी ये गंभीरता पूर्वक और ईमानदारी से प्रयास करेगा। तो ये सब जो एक एक्सपेक्टेशंस हैं समाज में और किसी भी प्रजातांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक समाज में सिविल सर्विसेज से एक्सपेक्टेशंस होना बड़ा सामान्य बात है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी आंसरेबिलिटी भी पब्लिक की तरफ होती है, उनकी जो जो उनकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, वो लोगों के प्रति होती है, क्योंकि वो पीपल ऑफ इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर हमारी सिविल सर्विसेज की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। जॉब प्रेशर रहता है, जॉब एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं, जो शासन है उससे भी आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, क्योंकि शासन को भी लगता है कि भाई इस व्यक्ति को हमने इस पद पर और ये जिम्मेदारी दे के बिठाया हुआ है तो ये अपने पद के साथ में न्याय करेगा, और जो समस्याएं होंगी उनको ऊपर शासन के ऊपर मतलब टिकल डाउन तो होंगी प्रॉब्लम्स लेकिन टिकल अप नहीं हो पाएंगी, तो ये एक एक्सपेक्टेशंस रहती है, उसमें समय का भी अभाव रहता है,
जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं उसकी एक और एक कमी कह लीजिए या उसकी एक इवोल्यूशनरी प्रॉब्लम कह लीजिए कि जो एक व्यक्ति की क्षमता है उससे ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। ये एक सत्यता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि जो आपको ट्रेनिंग इनपुट्स दिए जाते हैं, फिर आपका जो शुरुआत की ग्रूमिंग और ग्रोथ होती है, और सबसे बड़ी बात जो समाज में आपकी प्रतिष्ठा होती है, उन सब चीजों को साथ में लेते हुए ये सब जो गुरुतर जिम्मेदारियां हैं वो बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। उसके लिए आपको समुचित एक्सपीरियंस भी हो जाता है धीरे धीरे, और जो नॉलेज है वो भी हो जाती है, या नॉलेज करने के लिए आपको समुचित मौके दिए जाते हैं। देश विदेश में अलग अलग प्रकार की प्रशिक्षण होता है, वो एक मोटिवेटर भी होता है, और उससे एक आपको जो शेयरिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस हैं कि दूसरा व्यक्ति जो हमारी सिमिलर सिचुएशन में है वो क्या अच्छा काम कर रहा है, तो वो शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको कोई ऐसी काम करना पड़ेगा जो कि असंभव है या मतलब सुपर ह्यूमन टाइप का काम है, ऐसा कुछ नहीं है। साधारण कॉमन सेंस का काम है जो कि कोई भी व्यक्ति जो निष्ठावान व्यक्ति है और अपने कार्य के प्रति जागरूक है वो बड़े आसानी से कर सकता है। तो ऐसा कोई पोस्ट, मतलब अगर आप पोस्ट सिलेक्शन बात करेंगे तो पोस्ट सिलेक्शन ऐसी कोई समस्या नहीं आती है जिसमें कि आप अपने आप को मिसफिट पाएंगे या आप अपने आप को दबाव में पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हालांकि इस मामले में हमारी फिल्मों ने और मीडिया ने काफी दुष्प्रचार किया हुआ है, लेकिन फील्ड में जो अफसर्स हैं, एक और सौभाग्य या दुर्भाग्य कह लें कि मोस्टली जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो मतलब एक तरीके से सीक्रेटिव हो जाते हैं, क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट उस टाइप की है कि हर चीज आपसे खुल के नहीं हो सकती। फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर आपके आसपास में कोई भी यंग सिविल सर्वेंट आया हुआ है तो उससे एक बार आप जरूर मिलने का या उससे चर्चा करने का प्रयास करें। और ज्यादातर जो यंग ऑफिसर्स हैं वो बड़े ध्यान से, बड़े अच्छे तरीके से जो एस्पिरेंट्स हैं उनको सुनते हैं और ध्यान देते हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा। लेकिन एक एक साथ ही वर्ड ऑफ कॉशन भी मैं कहूंगा कि इन सब चीजों में ज्यादा अपना समय नष्ट ना करें, अपना जो उद्देश्य प्राप्ति पर पहले फोकस करें। पोस्ट सिलेक्शन जो सिचुएशंस हैं उसके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी तो कर लें, लेकिन उसके विषय में ज्यादा चिंता करने की इस स्टेज पर आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि ये मीडिया और मूवीज में जो दिखाया गया है वो बहुत ज्यादा भर जाता है, और आजकल तो और भी बहुत सारी चीजें आ गई है इंटरनेट पर, तो एक अपनी सुपरफिशियल दुनिया बना ली जाती है, इसीलिए ये क्लटर क्लियर करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपका मार्गदर्शन। खैर, तो अब आप लोग सवाल पूछें भैया से, जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी सवाल आपके दिमाग में है पूछिए, और अगर मुझे लगेगा तो मैं फिर आपको वहां पे रोक दूंगा या ठीक कर दूंगा। तो जो भी सवाल है, जो जो पूछना चाहे, चैट बॉक्स में एक एक करके हाथ उठा दे तो मैं बोल दूंगा, आप पूछ सकते हैं। स्पर्श बताओ। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये सर, है, जैसे जब हम सर्विसेज में जाते हैं कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वी आर फोर्स टू लिसन टू आर सीनियर्स, बट दैट इज समहाउ समटाइम्स आर अगेंस्ट आर सब व्हाट वी से दैट मतलब एथिक्स एथिक्स कॉन्शियस, योर कॉन्शियस। या कॉन्शियंस एंड एथिक्स। सो हाउ कैन वी टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, इधर गोइंग आउट ऑफ द वे और बाय होल्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। स्पर्श, देखो एक चीज तो मैं बड़ी स्पष्ट कहूंगा, मेरा भी 28 वर्ष का अभी अनुभव हो रहा है,
और खट्टे मीठे हर एक प्रकार के अनुभव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज में बड़ी मतलब कटिबद्ध रूप से और बड़े मॉरल करेज के साथ कहना चाहता हूँ कि जो भी सिविल सर्वेंट्स अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं और जो कंडक्ट रूल्स और जो चीजें बनी हुई हैं उसके बीच में मतलब उसके उसके प्रति निष्ठावान रहते हुए काम कर रहे हैं, तो मेरी जानकारी में एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें कि ऐसे सिविल सर्वेंट को कोई परेशानी हुई, ठीक है ना। लेकिन जैसा मैं अभी अनुराग जी से बात कर रहा था कि जो मीडिया और मूवीज वगैरह ने कुछ ऐसी इमेज बना दी है कि बड़ी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन हो जाती है, ऐसा नहीं है बेटा। जो भी सिस्टम बना हुआ है, हर सिस्टम में जैसे मान लीजिए, जैसे आपने अपना जो सवाल किया कि आपको मान लीजिए कि आपका इमीडिएट बॉस जो है वो प्रताड़ित कर रहा है, आमतौर पे यही होता है, आपका जो इंटरेक्शन होता है वो आपकी इमीडिएट हायरार्की से होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि कोई माननीय मंत्री महोदय या प्रधानमंत्री महोदय आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, ऐसा सिविल सर्विसेज में सिस्टम नहीं होता है। थिंग्स कम डाउन टू यू थ्रू ए चेन ऑफ कमांड और ए चैनल, कि आपके उच्च अधिकारी को बताया जाएगा, उसके उच्च अधिकारी को उसका उच्च अधिकारी बताएगा। तो जो जैसे मैं फिर वही मूवीज वाली पैराडॉक्सेस पे आप लोगों का ध्यान जाहिर करूँ, क्योंकि जहाँ भी मेरा इंटरेक्शन होता है मोस्टली लोग उसी से ही भ्रमित रहते हैं कि भाई उसमें तो ऐसा दिखाया जा रहा है। ये एक दुर्भाग्य भी है कि यंगर जनरेशन को, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसको सही मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है। हमें जो भी समाज में जो सच्चाई है उसके विषय में कहना चाहिए, ना कि हमें कोई ऐसी भ्रामक जानकारी देनी चाहिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है या जो हाइपोथेटिकल है। तो ये बेटा मैं आपको कहना चाहूंगा, और मतलब दिस यू कैन टेल अदर्स ऑल्सो, कि ऐसी परिस्थिति आमतौर पे सिविल सर्वेंट के लाइफ में नहीं आती है जिसमें कि उसके ऊपर कोई अनावश्यक दबाव डाला जा रहा हो या अनावश्यक काम करने के लिए उससे कहा जा रहा हो, ऐसा आमतौर पे नहीं होता है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे जरूर देखने में आए हैं जिसमें कि सिविल सर्वेंट्स खुद ही मोटिवेटेड हो जाते हैं गलत काम करने के लिए या नेक्सस डेवलप करने के लिए। तो देखिए, वो तो आप अगर अपने परिवार में भी आप कोई अनैतिक काम या आप कोई इलीगल काम करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस परिवार में भी आपको भुगतने पड़ेंगे, तो उस प्रकार से। और फिर उसमें लोग क्राई फाउल करते हैं कि साहब हमको ये प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि आप अगर उसकी गहराई में जाएं तो वास्तविकता कुछ और होती है। तो ये मैं बड़े कन्विक्शन से, बड़े आपको अथॉरिटी के साथ ये बताना चाहूंगा कि ऐसी परिस्थितियां आमतौर पे सिविल सर्वेंट्स के साथ में नहीं आती हैं। आपको नियम के अनुसार काम करना होता है, नियम के अनुसार आप काम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आपको मना करने की भी उतनी अथॉरिटी होती है। एक छोटी सी तो चीज मेरे मैं ख्याल इसमें, से स्पर्श का जो वो था प्रश्न था, उसमें कोई और प्रति प्रश्न है तो ये स्पर्श बताइए। नहीं सर, थैंक यू। इनके वाले में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। एक तो भैया जो मूवी वाली बात बोल रहे हैं वो पूरी तरह से सही है, वो मैंने भी बोली। छोटी सी चीज और कि कंडक्ट रूल्स जो है, जैसे भैया ने भी उनका जिक्र किया, तो जो लोग उनको सही से, उनके जानकार होते हैं और उनको सही से पढ़ते हैं सेवा में जाने के बाद में, तो चीजें उन्हें पता होती हैं कैसे टैकल करनी है। खैर, शिवम, नमस्ते सर। सर हाँ आपकी जो नमस्ते। जर्नी रही है, सर आपकी जो जर्नी रही है नक्सल एरियाज में सर्व करने की, आपने अपनी सर्विस के बहुत सारे साल नक्सल एरिया में सर्व करे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, उसके विषय में बेटा क्या क्या जानकारी चाहते हो तुम, तो मैं उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को आंसर करूं, क्योंकि ऐसे तो एक समस्या है या एक जो मतलब एक एक
व्यवस्था या कुव्यवस्था बन गई है, उसके विषय में तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये तो। आपका स्पेसिफिक जो सवाल है वो बताइए मुझे, तो मैं स्पेसिफिक आंसर आपको दे पाऊंगा। सर मतलब एक बॉर्डर एरियाज में एक सोल्जर सर्व करते हैं, वहां पे इंसान दूसरों से लड़ रहा होता है एक सोल्जर, लेकिन नक्सल एरियाज में जब जाते हैं तो अपने ही लोगों से जो थोड़े भटके हुए हैं उनसे लड़ना पड़ता है, तो वहां पे जाके मतलब कैसे आप उनको टैकल करते हो, और मतलब क्या आपकी वहां पे जाके वो होता है कंडक्ट होता है? देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको कोई भी जब समस्या होती है, जैसे एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर को जब कोई बीमारी आती है उसके सामने, तो वो उसकी पैथोलॉजी में जाता है कि किस वजह से ये बीमारी आई है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुखार है, क्या उसको कोई चोट लगने से या घाव होने की वजह से बुखार हुआ है, या और कोई सिस्टमिक कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से बुखार हुआ है, तो वो उसको ट्रीट किया जाता है। इसी प्रकार से जो नक्सल समस्या है, वो उसमें कई चीजें हैं, कई प्रोपेगेंडाज हैं, कई विकास से संबंधित समस्याएं हैं। तो एक तो पहली बात मैं एक चीज ये बता दूं कि सिविल सर्विसेज में कभी भी आप एज एन इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे होते हैं। आप सिविल सर्विसेज में, आप किसी भी फील्ड में हो, एक इवन आप अगर रेलवे ट्रैफिक सर्विस का ऑफिसर है, जो कि बड़ी स्पेशलाइज सिविल सर्विस है, केवल वो रेलवे देखते हैं, वो भी आइसोलेशन में काम नहीं करता है। वो भी वहाँ के जो स्थानीय जो दूसरे सिविल सर्वेंट्स हैं उनके साथ में टीम बना के काम करता है। तो पहली चीज तो मेरे ख्याल से शुरू के संबोधन में मैं नहीं ये चीज एक्सप्लेन कर पाया था, तो अभी ऐड करना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज एक सिस्टमिक काम होता है। जैसे जो आप अगर आईएएस में हैं और आप जिलाधिकारी हैं, तो आप जिलाधिकारी में भी आप इंडिविजुअल नहीं हैं, आप एक टीम के मेंबर हैं। आपसे वरिष्ठ लोग भी उस टीम में हैं, आपसे जूनियर लोग भी हैं, जो दूसरी ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सिविल सर्विसेज के भी लोग हैं, वो लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमेशा जब भी आप काम करते हैं तो एक टीम के रूप में काम करते हैं। तो जो जैसे नक्सलवाद है, नक्सलवाद में भी जो काम होता है वो एक टीम के रूप में होता है, जिसमें कि फॉरेस्ट ऑफिसर भी टीम के मेंबर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी टीम का मेंबर होता है, जो जिले का एसपी है वो भी टीम का मेंबर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी का, वो भी टीम का मेंबर होता है। तो सभी टीम मेंबर के साथ में तालमेल बिठाते हुए और इस समस्या के जो विभिन्न पहलू हैं उनका निराकरण किस प्रकार से किया जाए, वो अपने अपने उस पे फोकस्ड अप्रोच होती है। एक और अप्रोच होती है जिसमें कि जो आर्म्ड रिबेलियन है, जो लोग मतलब इलीगल रूप से आर्म्ड रिबेलियन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ रहे हैं, तो उनको उनका आर्म्ड जो आंसर होता है, उनको या तो अरेस्ट किया जाना है, या अगर उनके साथ में मुठभेड़ होती है तो उनको न्यूट्रलाइज करना है। ये सब चीजें, इनकी भी रणनीतियां होती हैं। तो ये एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, अगर बॉर्डर मैनेजमेंट भी है तो बॉर्डर पे भी जो है वो कई और एजेंसीज के साथ में मिलके काम करना होता है। तो सबसे चीज सिविल सर्विसेज में जो बज वर्ड है या जो की वर्ड है, वो कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब सबसे पहले आपको जो बेसिक ट्रेनिंग होती है या इनिशियल आपका एक्सपीरियंस होता है, उसमें सबसे पहले आपको यही सिखाया जाता है कि आप कैसे एक अच्छे कम्युनिकेटर और कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से शिवम का क्वेश्चन था ये। हाँ, तो हाँ शिवम यही कहना चाहूंगा कि ये एक तो जो भी हैंडलिंग या डीलिंग या एड्रेसिंग है प्रॉब्लम की, वो टीम एफर्ट होता है, इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होता कि मैंने जाके चार नक्सलीज को मार दिया या चार नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया, तो वो नक्सलिज्म का सलूशन नहीं। वो एक ओवरटली या एक मैक्रो लेवल पे तो एक सलूशन आपको नजर आ सकता है कि भाई न्यूज़पेपर हेडलाइन आ गई कि आज चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, चार लोगों ने सरेंडर कर दिया, एक लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया या उनको मुठभेड़ में मार दिया गया, लेकिन वो एक्चुअली सोल्यूशन नहीं है। एक्चुअल जो सोल्यूशन है, वो जो शासन की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उन लोगों को, ग्रामीणों को कैसे लाया जाए और कैसे इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, ये समस्या, ये मतलब काम होता है।
बिल्कुल, ये एक और चीज भी है जैसे भैया ने अभी समझाया, और मतलब सबसे बड़ी जो एक की टेक अवे है वो है टीम वर्क। ये जो आप लोगों के दिमाग में एक नॉर्मल चीज है कि सिंघम और फैंटम बन जाने वाली चीज, तो जो मेन भैया जो समझा रहे हैं कि यू आर नॉट अलोन देयर, तो जो एक टीम कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवम, कोई काउंटर क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। यस सर। सर एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की रिपोर्ट थी, उसमें था कि सेंट्रल फोर्सेस की ज्यादा मतलब ज्यादा शहीद होते हैं सेंट्रल फोर्सेस के लोग स्टेट पुलिस या मतलब दूसरी जो फोर्सेस होती हैं, तो उसके पीछे एक उन्होंने एक रीजन दिया था कि या तो लोकल्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं या स्टेट पुलिस खुद कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मतलब वहां पे जाके जब आप कह रहे हो कि टीम वर्क हमें करना पड़ता है, लेकिन जब टीम के मेंबर्स ही कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो फिर मतलब कैसे आप आगे वो करते हो नक्सल्स, क्योंकि आप जिनके लिए लड़ने जा रहे हो लोकल्स के लिए लोकल पुलिस के साथ आप उनको एक साथ देने जा रहे हो उनका, वो ही कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर आगे आप कैसे टैकल करते हो सर उस चीज को। मैं जवाब मैं देती हूँ। सबसे पहले देखो, हम लोग ये मान के ही नहीं जाते हैं, जब हम अंदर जाते हैं नक्सल गांव में, मैं भी गई हूँ, लोगों से मिली हूँ, सबसे पहले बेटा आपको अपने मन से ये निकाल देना है कि नक्सल कोई एक जाति है, नक्सल कोई एक है, नक्सल एक सामान्य आदमी है। ठीक है, हम लोग एक परिवार में रहते हैं, मान लो हमारे घर में 5 बच्चे हैं, हम अपने 4 बच्चों की बहुत कायदे से देखभाल करते रहे और एक बच्चे को हम लगातार नेगलेक्ट करते रहे, हमने उसकी किसी भी जरूरत का ध्यान नहीं दिया, उसकी शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, उसके खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, उसको बिल्कुल हमने नजरअंदाज कर दिया, तब तक वो बच्चा सहेगा, वो मानेगा कि हाँ चलो ठीक है हम बच्चे हैं, मेरे माँ बाप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि जब वो रिवोल्ट करेगा, तो यहाँ पे वही समस्या है। तो हम लोगों को सबसे पहले उनके लिए एक सहानुभूतिपूर्ण अपने मन में व्यवहार रखना होता है। सीआरपी यही कर रही है, जाकर के सीआरपी जो काम करती है वहां पे, सिविल सेवा का वहां पे काम कर रही है, वहां पे लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों के लिए खाना पीना पहुंचा रही है, लोगों को पढ़ाने का भी काम कर रही है। आप कहीं भी आप पेपर में पढ़िए, बहुत सारे सोशल वर्क का काम सीआरपी वहां पे कर रही है। ठीक है, अब रही जहां तक शहीद होने की बात, बेटा जो काम करेगा, सीआरपी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, हम लोग अंदर जा करके जब काम कर रहे हैं तो अगर हमको मान लो 10 सफलता मिलती है तो एक दो असफलता भी हमको मिल सकती है, तो उसमें हम ये टोटल ये कह देना कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है वो चीज गलत है, कोऑर्डिनेशन से काम होता है। ये सब लोग जो अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है ना, जिनको आधा ज्ञान होता है, जो फील्ड में कभी पत्रकार होते हैं डर के मारे एक एक किलोमीटर जंगल से आगे उन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा होता है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं कि वो सिविल पुलिस ने उनको पीछे से धोखा दे दिया, ग्रामीणों ने धोखा दे दिया। ग्रामीण तो इतनी इज्जत करते हैं सर, लोग जब ऑपरेशन पे जाते हैं तो ग्रामीण ही उनको चारपाई देते हैं, वहीं पे वो लोग सोते हैं, बहुत इज्जत करते हैं ग्रामीण। हम खुद घूम के आते हैं गांव में, लोगों से बात करते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की बातें करते हैं, उनकी शिकायत बहुत सारी, आपको पता है भी गांव कैसे हैं, आप लोग ये सोच करके ताज्जुब करते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाके के ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बेटा कलेक्टर, बस हमको तो इतना ही अंतर समझ में आया कि पहले कलेक्टर गोरा होता था, अब हमारे लोग भी कलेक्टर बनने लग गए। अब आप लोग समझ लीजिए कि वहां पे हमने कितना, वहां पे हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है, हमारे गांव के लोग कितना समझ पाए, वो बेचारे आजादी तक नहीं जानते हैं। इसलिए ऐसा कहीं नहीं, कोऑर्डिनेशन सिविल पुलिस सीआरपीएफ सब में कोऑर्डिनेशन है, ये गलत बातें आप लोगों के मन में भरी जा रही है, जनता के मन में गलत बातें भरी जा रही हैं। शिवम बेटा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जो इन्होंने अभी बताई आपको बातें, क्योंकि मेरे साथ ही रही हैं तो कई चीजों में साथ में देखने का, सुनने का और अनुभव करने का मौका मिला है। तो एक तो पहली बात ये, जैसे मैंने टीम वर्क की बात की, आप ये बताइए कि आप अगर फुटबॉल खेलते हैं तो क्या आप केवल गोलकीपर के बेसिस पे मैच जीत सकते हैं क्या, या सेंटर फॉरवर्ड के स्किल्स पे आप बहुत अच्छा सेंटर फॉरवर्ड अपनी टीम में रख लीजिए जो कि वर्ल्ड का बेस्ट हो। आप पेले को भी अगर आप अपना सेंटर फॉरवर्ड बना लीजिए और बाकी आप टीम बना लीजिए जो कि टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो क्या वो टीम जीतेगी या हारेगी? अनुराग, मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे इस बात से कि एक सेंटर फॉरवर्ड या एक गोलकीपर जो है वो मैच को ना जिता सकता है ना हरा सकता है। उसी प्रकार से जैसे जो भी, और एक चीज और भी है कि मैं हमेशा सिस्टमिक अप्रोच का एक वो रहा हूँ, मानने वाला रहा हूँ,
तो जैसे हमारे शरीर में भी कोई जब बीमारी आती है तो सबसे पहले जो लोड पड़ता है वो व्हाइट ब्लड सेल्स पे पड़ता है। जो भी हमारे बायोलॉजी के विद्यार्थी रहे वो जानते होंगे इस बात को कि जो लड़ने का काम है वो व्हाइट ब्लड सेल्स करती है। तो सबसे ज्यादा आपके जो जब पस निकलता है तो पस में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की होती है। इसलिए हम लोग जो फ्रंट पर हैं या उसमें, हमें इससे कोई विचलित नहीं होते हैं कि नंबर्स में कि क्या क्या हुआ, नंबर कितने थे, फॉरेस्ट वाले कितने शहीद हुए, पुलिस वाले कितने शहीद हुए, रेवेन्यू के कितने शहीद हुए, इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि एक टीम का काम है, जो जिस टीम के मेंबर की जो ड्यूटीज हैं, जो उसका काम है, जो उसको फ्रंट दिया गया वो अपना फ्रंट संभाल रहा है। हर एक व्यक्ति अगर राइफल लेके और नक्सल मैनेजमेंट करने लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो संभव भी नहीं है और उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो कुछ लोग फ्रंट पे होते हैं, कुछ उनको बैकअप करने के लिए पीछे होते हैं, कुछ लोग लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग दूसरी और जो संसाधन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये पूरी कड़ी है, एक पूरी चेन है। आमतौर पे जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो यही हो जाती है कि साहब ये शहीद हो गया। कुछ एक एक उसमें एक दुर्भाग्य से ये भी होता है कि कभी जो एक हीट ऑफ पैशन बोलते हैं, जब आप किसी शहीद की विधवा से बात कर रहे हैं तो उसको लगता है कि मेरा पूरा संसार खत्म हो गया, तो उसके मुंह से कुछ इमोशनल बातें निकल जाती हैं जिसको लोग परोस देते हैं। ये सब चीजें जो होती हैं इनको थोड़ा सा बड़ा डिस्पैशनेट तरीके से और एक प्रोफेशनल तरीके से समझने की आवश्यकता है। और कई लोग अच्छे भी हैं, कई अच्छी एनालिसिस भी आप देखते हैं। तो मेरा यही कहना है कि चीजों को पर्सपेक्टिव में देखें, अपना खुद का ओपिनियन बनाएं, दूसरे के ओपिनियन से डाइवर्ट ना हो। फैक्ट आप रखें बट ओपिनियन अपना रखें। ये नहीं है कि अनुराग जी का क्या ओपिनियन है, मेरा क्या ओपिनियन है, मैं हो सकता है नेगेटिव ओपिनियन का व्यक्ति हूँ तो मैं हर चीज आपको रेड पेंट में ही दिखाऊंगा, या अनुराग जी अगर पॉजिटिव ओपिनियन के, ये हो सकता है कि जो नेगेटिव चीज है उनको भी पॉजिटिविटी उसकी दिखाएं। तो ये तो देखिए, ये तो वक्ता की या जो वो व्यक्ति है उसकी अपनी काबिलियत होती है। आपको एज ए बडिंग पर्सन, एज ए एस्पिरेंट, अपने आप में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और फैक्ट्स को ग्रहण करना चाहिए। जैसे निरीक्षर विवेक होता है तो उसमें ध्यान रखते हुए और क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज गलत हो रही है, उसके बारे में क्लैरिटी रखनी चाहिए। एक चीज इसमें और जो जैसे भाभी ने बोला जो, और शायद वो सबसे सटीक चीज है कि जो लोग दिल्ली में बैठ करके और ये बड़े बड़े लेख लिखते हैं नक्सलवाद पर और इस पर उस पर, तो जो भाभी ने बोला कि पत्रकार वहां 1 किलोमीटर से अंदर नहीं जाते और बाहर बैठ करके वो दुनिया भर का परसेप्शन या वो बनाते हैं, तो जो इनका बेसिक सवाल था कि वो अपने लोग हैं तो आप अपने उनको तब कह सकते हैं जब आप अपनों को जाने। यहाँ तो आप बैठ करके बोल रहे हो कि वो अपने लोग हैं, लेकिन आप उनको कितना जानते हैं, उन जातियों के बारे में, उन जनजातियों के बारे में, उनके वेज ऑफ लिविंग के बारे में कितना जानते हैं तब आप बोल सकते हैं। क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं और वो बहुत सारी चीजें अलग अलग प्रोपोगंडा के अंदर चलाई जा रही हैं, तो पहले खुद सच जानने की वो रखिए। बिल्कुल एक और सवाल, जागृति ने सबसे पहले बोला था, जागृति प्रणाम सर। प्रणाम जागृति। सो इट्स बीन सो नॉर्मलाइज्ड दैट ब्यूरोक्रेट्स वर्क अंडर द गवर्नमेंट प्रेशर एंड गोइंग अगेंस्ट दैट अथॉरिटी और सेंटर और स्टेट रिजीम कैन रिस्क योर जॉब एंड ऑल्सो कैन ट्रांसफर मतलब हो सकता है। सो इज दैट ट्रू एंड इफ येस देन हाउ टू डील विद दैट पोलिटिकल प्रेशर इफ वी रियली वॉन्ट टू वर्क। योर क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ टू आस्पेक्ट। वन इज दैट दी सिविल सर्वेंट्स दे हैव टू वर्क अंडर प्रेशर, आंसर इज यस दे हैव टू, बिकॉज दी जॉब प्रोफाइल इज लाइक दैट दैट यू आर गिवन एन एरिया और यू आर गिवन एन रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज मच मोर वट यू कैन मैनेज। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल फेलसीज एंड डेवलपमेंटल इवोल्यूशन विच आवर कंट्री एज ए डेवलपिंग नेशन इज गोइंग थ्रू इन द लास्ट 71 ईयर्स। सो दैट इज यस।
The answer is yes, and more so at the senior levels. Yes, you have to work under pressure. You have to work much more with timelines than any of your corporate counterpart. That is a matter of fact. So that you have to. Now coming to second part of your question is that at times undue pressure is exercised. I have already deliberated on this aspect. There are two aspects to it. One is the perception which is created in the society by way of movies, media and all. Misinformation has been deliberately or innocently propagated, in which it is shown that the chief minister is ringing up the district magistrate or the district SP and asking to do some illegal things. This doesn't happen in real life. Generally, the orders come through a chain of command, and generally the senior people, they don't interact directly with the, even I would not be interacting directly with my field officers. I'll be talking to his boss and conveying what is to be done and what is not to be done. I hope you are getting it. So first of all, this is fallacious. This is somehow concocted information which is deliberately propagated. Even some of the newspaper article, as your Bhavi was deliberating, they have their own agenda. See, if you are running a media house, you have your own priorities, you have your own things which may not be syncing with the real ground administration. So if you are coming at loggerheads with that, you may try finding a way out in which you can put pressure on the administration. So this kind of a thing, yes, you mentioned about transfers also in your question. It does happen. It happens because of liking, dislikings. Sometimes it happens with the because of the incompetencies. Sometimes it happens with the over competencies, which we call in civil services. Like somebody is trying to be, as Anurag was saying, that somebody is trying to become a Singham. Singham looks very good in movies, but Singham is not desirable in real life. So in those circumstances, transfers happen. But let me tell you, as a civil servant, you are a very well-protected person. Generally, you are not harmed unless until you have your own access or you yourself indulge into some illegal, immoral things. Then, of course, you have to face the consequences. But as long as you are not indulging, you are not succumbing to the pressures, you are accepting your transfer as a reality, nothing will happen to you. So Jagriti, I think your question is answered. Any supplementaries? So sometimes we are in the dilemma that we want to work for our people, but that sometimes goes against our organizational ethos or objectives. So what should be our way to it? About this, I already told you that you are not an individual. You are part of a system and you are part of a constitutional system. It's not a ad hoc system. You are part of a system. Your roles and responsibilities are defined. So as a civil servant, never be enthusiastic in exceeding your responsibilities or playing a one-man football game. So that becomes disastrous. So you should always take your team along, and as you grow up in the hierarchy, the responsibility on your shoulders is more to take your team along. If you become enthusiastic, you become too much media savvy, probably you are likely to err, and that is the thing where the downfall starts coming. So
the best thing is to be a neutral and professional civil servant, not to be a Singham or anything. There are a number of examples in which you would find very enthusiastic people, suddenly they are shooting to fame, but then if you see their 30 years of track record, they are probably not considered even an average civil servant. Whereas a person who has been silently working, he gets more name and fame than his so-called celebrity counterpart. So I hope you are getting it. So still, if you want any clarifications, I'm open to that. Thank you so much, sir. It had been clear. एक चीज मतलब मैं जैसे जो भैया ने बोला बाकी सभी लोगों के लिए जिनको थोड़ा वो दिक्कत हुई हो सबसे वो बड़ी चीज ये है कि बी अ साइलेंट वर्कर. सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप बहुत से देखते होंगे आज भी लोग आप देखते होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे आईएएस आईपीएस हैं जिनके पर्सनल एक कैमरा शूट करने वाले साथ में चलते हैं भाई, एक हफ्ते में चार वीडियोस पढ़ते हैं. सो पहली चीज है साइलेंट वर्कर. और दूसरी चीज जो जागृति के क्वेश्चन से भैया ने जवाब दिया, सबसे बड़ी चीज है कि आपके पर्सनल एथिक्स से शायद ऊपर है आपका ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स. और आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में है, टीम में है, तो आपको अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से काम करना होगा. ठीक है, अगला था देवेश का. नमस्कार सर. नमस्कार देवेश. सर मेरा सवाल प्रिपरेशन से रिलेटेड है. एक्चुअली कई बार ऐसा होता है जो अभी मेरे साथ भी हो रहा है एग्जैक्टली कि एज इतनी हो जाती है कि आपका फैमिली जो आपकी फैमिली जो है वो आप पे प्रेशर डालने लगती है कि आप जॉब कर लो. तो उस सिचुएशन में आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो कि मतलब आप एग्जाम दे पाओ. जैसे अभी मेरा थर्ड अटेम्प्ट है और हाउ कैन आई टैकल दैट प्रेशर फ्रॉम फैमिली. देवेश मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन का आपकी भाभी जी जो है वो ज्यादा मेरी जो धर्म पत्नी वो ज्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे पाएंगी, इनकी विशेषज्ञता है इसमें. तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस क्वेश्चन का जवाब दें कि अगर फैमिली प्रेशर डाल रही है कि आपकी एज हो रही है और आप जॉब कर लें तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. बेटा देखिए, आप लोग ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा कदम लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं. ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है. ठीक है, ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है ना. और इसके लिए जब हम कभी भी अगर लकीर से हट करके आगे चलने की कोशिश करते हैं या बहाव से अलग दिशा में चलने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं. और कोशिश ये होती है और परेशानी आती है. आप घर में हैं, आप लोग सोचिए आजकल के बच्चे, आप लोग 23-24 साल के बच्चे हैं, किस किस रास्ते में हैं, कई गलत कामों में हैं. मतलब कई आते हैं वो बाजार से नया सामान खरीदेंगे, पिक्चर जाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे. आप लोग केवल घर के अंदर सीमित है, अपना पढ़ाई में लगे हुए हैं. आपके अंदर कोई भी बाहरी कोई भी बुराई आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाई. आप लोग एक अच्छे बच्चे, बस अपना केवल लक्ष्य के लिए पूर्णता समर्पित है. ठीक है, तो समस्या घर वालों को इसलिए आती है बेटा क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा हमारा 26-27 साल का हो गया, पड़ोसी के बच्चा जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, तो फिर हमारे बच्चे को भी जॉब करना चाहिए. लोग मजाक बनाते हैं, अरे आपका बच्चा अभी तक नौकरी में नहीं लगा. ये हम लोग एक मिडिल क्लास सोसाइटी की एक बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि हम, लेकिन हमारे हमें बस यही ध्यान है जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना बेटा, हमको अपने को कमल बना करके चलना है. हमको अगर अपने ऊपर भरोसा है, अपने ऊपर आप भरोसा रखिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, किसी कारण से आप दो अटेम्प्ट नहीं निकाल पाए, आप इस अटेम्प्ट में निकाल लेगा. ठीक है, और आप अपने भरोसे को कायम रखिए और अपना मेहनत कीजिए. ठीक है, और उसके बाद ही बस एक चीज मेरी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर 3-4 अटेम्प्ट में मान लो किसी कारण से, जैसे हमें 3 सीढ़ियां होती हैं सिविल सर्विसेज की, पहला प्री होता है. आप प्री अगर बार बार क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस में किसी कारण से अटक रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है. आप मेंस में भी क्वालिफाई कर जा रहे हैं, किसी कारण से आप इंटरव्यू में आप अटक रहे हैं, तो आप समझेंगे कि बहुत जरा सी कहीं कोई आपकी कमी रह गई जीवन तैयारी में. ठीक है, लेकिन अगर आप 3 अटेम्प्ट में आप प्री ही नहीं निकाल पा रहे हैं किसी कारण से, तो आपको ये समझना चाहिए दिस इज नॉट माय कैपेसिटी. तो उसके बाद में आपको उसको बेटा बहुत रास्ते हैं, जीवन में रास्ते की कमी नहीं है. हम सिविल सर्विसेज में आते हैं सबसे बड़ा संकल्प लेकर के कि हम समाज सेवा करेंगे, क्योंकि समाज से डायरेक्ट हमारा जुड़ाव रहता है. बाकी लोगों के हाथ ऐसे रहते हैं लेने के लिए, हमारे हाथ जो है हम एक
टॉप ब्रैकेट में पहुंच जाते हैं जो पूरे भारतवर्ष में 0.00001% भी नहीं है, जिसमें से हम एक होते हैं। हमारे हाथ हमेशा देने के लिए रहता है। तो बेटा वो पोजीशन पाने के लिए हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी है, समझना है, समाज को समझना है, अपने को समझना है। तो माता पिता से लड़ने से बेटा कोई फायदा नहीं होगा कि हम उनको बोले कि हमें समय दो, उनको हमको समझाना होगा कि पापा प्लीज हमको एक साल और दीजिए, हम अपना मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जरूर आपको सपोर्ट मिलेगा, है ना। इसके अलावा कई फैमिली परेशानियां होती हैं, वो आप लोग समझते होंगे। अब मान लो अकेले फादर कमाने वाले हैं, बहुत सारे लोग खाने वाले हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन हमें मुझे हमेशा यही लगता है कि जब हमारा मतलब हम अभी जब बुझने से पहले दिए की लौ बहुत तेज हो जाती है ना। तो अगर आपकी कठिनाइयां बढ़ने लगी तो आप लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि अब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं और आप बिल्कुल उससे मत चूकिए और ज्यादा दुगनी मेहनत से आगे बढ़िए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू मैम। नहीं सर, थैंक यू। क्लियर हो गया देवेश पॉइंट पे? हाँ जी मैम, मेरे को क्लियर हो गया कि अपने ऊपर ही मतलब विश्वास रखना है और पूरी मेहनत करनी है एंड इस सब चीज को इग्नोर करना है मतलब अभी के लिए, और उनको थोड़ा सबको मतलब उनकी बात को समझना भी है साथ साथ। गौरव नमस्ते मैम। हाँ मैम, मेरा सवाल था कि ये नक्सल एरिया में एक आईएएस ऑफिसर की क्या भूमिका होती है, वो उस पर थोड़ा बता देते हैं। इस बारे में तो सर ही बताएंगे, थोड़ा उनका कोई फोन आ गया, वो उधर चले गए हैं, है ना। भूमिका सबकी बेटा सब जगह ही होती है। नक्सल एरिया में मेन हम लोगों के पास नक्सल को मैंने बहुत अंदर जाकर के बहुत कायदे से समझने की कोशिश की है और मुझे यही लगा है कि ये लोग बेसिकली बहुत सीधे और बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये लोग नेगलेक्टेड लोग हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अंदाज होगा, आप लोग पढ़ रहे हो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, झारखंड बिहार में था, और अगर मध्य प्रदेश के कुछ ही इलाके का हमेशा विकास होता रहा और झारखंड के बिहार के भी कुछ इलाके का, इन इलाकों को लगातार नेगलेक्ट किया जाता रहा। उससे पहले भी इन इलाकों में बहुत ज्यादा जमींदारों की कुप्रथा थी और जितने भी हमारे अंग्रेज लोग आते थे, फॉरेस्ट ऑफिसर आते थे, जो आते थे, इनके जो प्राकृतिक संसाधन है जिनपे इनका रोजी रोटी चलती थी, उनको केवल लोगों ने उनका दोहन करने का काम किया। उनकी लकड़ी जंगल काट देना, लकड़ी ले जाना, बहुत सारी प्राकृतिक उनकी जो उपज होती थी उसको ले जाना, क्योंकि वो वहां पे करोड़ों रुपए में बाहर बिक रही है। तो उन लोगों ने केवल उनका दोहन किया। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि ये जो आदिवासी लोग हैं, जो इनका रहन सहन थोड़ा डिफरेंट तरीके का है, तो जो हमारे पहले कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं जो हमारे जो फॉरेन डेलीगेट्स आते थे उनको घुमाने के लिए ले जाते थे। एक तरीके से उसको क्या कहोगे, जू ही तो कहते होगे, जू की तरह बना के रखा था उस इलाके को। उस इलाके का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। तो उन लोगों के मन में धीरे धीरे, अभी भी हम जाते हैं छत्तीसगढ़ के गाँव में जाते हैं, लोग लाते हैं सामान, अपना मार्केट लगता है वहां पे हफ्ते का, मार्केट लगता है, दूर दूर से लोग अपने जो गांव की उपज होती है उसको लेकर के आते हैं, उसको बेचते हैं और अपना पैसा कमा करके फिर पैदल पैदल 12-15 किलोमीटर लोग जाते हैं। इतने एक भी व्यक्ति तुमको बेटा आदिवासी कोई भी, चाहे झारखंड का हो चाहे छत्तीसगढ़ का, एक भी मोटा नहीं लगेगा। सबके संबल न्यूट्रिशियस है, क्योंकि उनको बहुत अभी उनके विकास पे किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। इसमें हम केवल सरकार को दोषी नहीं मान सकते हैं, इसमें दोषी जो आप बोल रहे जिलाधिकारी की क्या भूमिका होती है, तो दोषी तो जिलाधिकारी भी है, क्योंकि जिलाधिकारी का क्या काम है, आप अपने इलाके के सब लोगों के बारे में सोचो। तो वही एक जो लेकिन टीम वर्क है, यहाँ पे टीम वर्क होता है, जिलाधिकारी है, MLA है, MP है, बहुत सारे लोगों को मिला करके एक टीम बनती है, और उसमें मजबूरी है कोई भी
जो एक लाइन हमारे लिए खींच दी जाती है उससे आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रही है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, आपके यूपी और बिहार से बेटर अभी सड़कें बनी हुई हैं और धीरे धीरे लोग मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। क्या हुआ प्रॉब्लम, नक्सली प्रॉब्लम मेरी जो समझ में आई वो यही है कि हमने अपने बच्चे को लगातार नजरअंदाज किया और वो बच्चा गलत लोगों के हाथों में खेलने लग गया, क्योंकि उसको तो बेचारे को नहीं मिला हथियार, उसको कुछ नहीं मिला। उन लोगों ने, दूसरे लोगों ने जो गलत लोग थे, जो हमारे दुश्मन थे, उन्होंने हमारे नाराज बच्चे को से फायदा उठाया और उसको गलत रास्ते पे उसको चला दिया और वो चल रहे हैं। तो इसीलिए हम आतंकवादियों की तरह नक्सलियों से नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वो हमारे भटके हुए बच्चे हैं, उनको हमको सही रास्ते पे लाना है, उनका विकास करना है। तो लगातार विकास का काम कर रहे हैं और जिलाधिकारी की भूमिका भी यही है कि वो उस विकास में जो भी विकास की प्लानिंग बनती है, ऊपर केंद्र में बैठ करके बनती है, राज्य में बैठ करके बनती है, उस उन प्लानिंग को वो ठीक तरीके से उनका अमेंडमेंट करवा सके। और सबसे सबसे बड़ी बात है कि हम प्यार से अपने जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी तकलीफ को समझें और उसका निराकरण करने का प्रयास करें। क्लियर बेटा? जी मैम जी, धन्यवाद। लिपिका, मेरा सवाल ये था कि जैसे सर बता रहे थे कि उन्हें मतलब अब 28 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो नॉर्मल सी बात है कि उतना जब उन्होंने स्टार्ट किया होगा तब टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं रही होगी, तो अब टेक्नोलॉजी किस तरह से डेवलपमेंट का हिस्सा बन रही है और काउंटर कर रही है सीआरपीएफ या कोई भी हमारी सिक्योरिटी पर्सनल होती है, वो किस तरह से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है और टेक्नोलॉजी का रोल नक्सल्स कैसे, टेक्नोलॉजी नक्सल्स के सपोर्ट में कैसे काम कर रही है? बेटा मैं पार्ट आपका क्वेश्चन सुन पाया था, जितना मैं समझाऊं आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि एक कोई अर्जेंट कॉल आ गई थी तो मुझे उठना पड़ गया था उस वजह से। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बेटा ऐसा है कि इसका एक मॉडर्नाइजेशन प्लान होता है सभी का, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में सभी का ही एक मॉडर्नाइजेशन प्लान्स होते हैं, जो कि जिसमें कि फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, टेक्नो फाइनेंशियल एप्रिसिएशन कहते हैं उसको। तो उसके हिसाब से शासन के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि अगले 5 साल में या अगले 2 साल में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होंगे, क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स होंगे, इंपोर्ट्स अगर कोई इक्विपमेंट इंपोर्ट करना, जैसे अभी पिछले 5 साल में हम लोगों ने इसराइल से काफी जो इक्विपमेंट है वो इम्पोर्ट किए हैं, इसराइल ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, उससे पहले रशिया से काफी इक्विपमेंट आते थे, यूएस से भी इंपोर्ट्स हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं, उसमें कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी हैं जो कि मैं नहीं जिनके बारे में चर्चा कर सकता, लेकिन जो भी वर्ल्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकली जो इंडियन पुलिस सिस्टम है वो आज काफी एडवांस है वर्ल्ड में, वैसा नहीं है कि हम डंडा लेके ही घूम रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज हों, चाहे दूसरी नेविगेशनल टेक्नोलॉजीज हैं और वेपन सिस्टम्स हैं, वो सभी में एडवांसेस हुए हैं, फोर्सेस में भी हुए हैं, पुलिस में भी हुए हैं और सभी फील्ड्स में हो रहे हैं। इवन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप देख रहे होंगे ई गवर्नेंस में काफी नए एडवांसेस हुए हैं, काफी नए इनोवेशन हुए हैं, एप्स आ गए हैं, वो सब आ गए हैं। तो वो चीजें सीआरपीएफ में भी हो रही हैं और दोनों पार्ट पे पर्सनल मैनेजमेंट में भी हो रही हैं और जो लॉजिस्टिक्स है उसमें भी, दोनों में बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द वर्ल्ड दे आर बीइंग एम्प्लॉयड। मेरे सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी था कि टेक्नोलॉजी का यूज इस समय नक्सल्स कैसे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी उनके सपोर्ट में कैसे काम कर रही है? बेटा वो भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं और जैसा एक वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन में होता है कि जो आपका एडवर्सरी है
वो भी आपको आउटस्मार्ट करने की कोशिश करता है, आप उसको आउटस्मार्ट करने की. इट्स मोर ऑफ ए गेम ऑफ विट्स. एंड एज आई सेड इन जो पहले मैंने जवाब दिया कि बेसिकली एक सिस्टमिक अप्रोच होती है कि सिस्टम को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं कि उस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए. तो वो भी यूज करते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं, नक्सल्स काफी आईपी फोन्स का भी यूज कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, जो बेसिकली, लेकिन उनका जो टेक्नोलॉजी यूसेज है वो बेसिकली कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए ही वो टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा यूज कर रहे हैं. वेपन सिस्टम उनके पास बहुत एडवांस नहीं है, और बाकी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेसिक टाइप का है, उसमें कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है. लेकिन हाँ, कम्युनिकेशन में वो लोग टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, थैंक यू सर. ओके एक और छोटी सी चीज इसमें मैं ऐड कर दूं, हालांकि ये बात हम लोग लगातार बोल रहे हैं, ये जनता आई गेस सब 17 से 27 28 के बीच के होंगे, जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आपको पुलिस की इमेज दिखाई जाती है कि वो देर से आ रहे हैं और वो डंडा लेके आ रहे हैं और उनकी टोपी टेढ़ी है और उनकी बेल्ट नहीं निकली, बेल्ट नहीं लगी हुई है, ये जो इमेज आपके दिमाग में है पुलिस की और इसकी, इसको अब आप छोड़ दीजिए. जो फोर्सेस हैं कॉम्पिटेंसी के साथ में काम कर रही है, जैसा कि भैया ने बताया कि जो मॉडर्नाइजेशन है और जिस तरह का पुलिस प्रोफेशनलिज्म है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन सेम चीज है कि थोड़ा सा कोशिश करिए आप कि सही चीजें जानने की कोशिश करिए, कि जो जैसे गवर्नमेंट जो भी रिलीजेस निकालती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वगैरह, उन्हें देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ हो रहा है. इसमें एनालॉजी में एक चीज और सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप फैक्ट चेक जरूर करिए. जब भी आपको कोई भी चीज पता लगती है उसको आप अपने तरीके से उसका फैक्ट चेक जरूर करिए. अभी तो एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बड़ा अच्छा फैक्ट चेक का एक उन्होंने पोर्टल निकाल दिया है कि आप कोई भी उसमें फैक्ट को चेक कर सकते हैं. इसके अलावा भी आप एक फैक्ट चेक करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आप मल्टीपल सोर्सेस से सेम इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए, कोई ना कोई आपको उसका दूसरा पहलू जरूर बता रहा होगा, और फिर आप अपने कॉमन सेंस का यूज करके और एक ट्रेंड को देख के आप अपने आप देख सकते हैं कि भाई ये चीज जो है ये लगता है मुझे जबरदस्ती मिस इन्फॉर्मेशन परोसी जा रही है. तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर आपको रसगुल्ला पसंद है, रसगुल्ला आपको परोसा जा रहा है तो आप खाइए, उसमें कोई असुविधा नहीं है. लेकिन आप ये जरूर देख लीजिए कि भाई ये चीज जो मुझे परोसी जा रही है ये कहीं परोसने वाले का कोई अपना अल्टीरियर मोटिव तो नहीं है. तो ये देख के और एक कॉशन के साथ में, और आप लोग चूंकि सभी एस्पिरेंट्स हैं तो एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन के बारे में कोई ओपिनियन लिखना है, कुछ लिखना है, तो आपको फैक्ट बेस्ड होना पड़ेगा. तो बेहतर है कि आप फैक्ट पे जाएं और ओपिनियन अपना फॉर्म करें, और अपने जो अनुराग जी जैसे बात कर रहे थे संस्कारों की और एक व्यवस्था की और अपने जो एक आपके मॉरल्स हैं जो हमारे भारतीय समाज के हाई मॉरल्स रहे हैं, उनको उनके फ्रेमवर्क में आप देखिए कि आपको जो बताई जा रही है बात क्या वो उसमें ठीक बैठ रही है या डेलिबरेटली आपको भ्रमित किया जा रहा है. तो ये चीज जरूर आप देखें, और ये अभी नहीं, आपको आगे आपके कैरियर में भी ये चीज काम आएगी कि आप अनावश्यक रूप से व्यथित और भ्रमित नहीं होंगे. बिल्कुल. अनुष्का. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग सर. माय क्वेश्चन इज कि हमने जब जब झारखंड में जो नक्सल अटैक हुआ था और इनकाउंटर हुआ था, देन वी हैव डिसाइडेड दैट रोड मैप टू अनवेवरिंग कमिटी एंड कमिटमेंट टू पीपल एंड नॉन नेगोशिएबल डिटर्मिनेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ. तो ये जो हम रोड मैप की बात करते टू डील विद नक्सलिज्म, इंक्लूडिंग हाउ वी कैन ब्रेक द ब्रिज फॉर एक्सटर्नल सपोर्ट टू दीज नक्सलिज्म, तो वो क्या रोड मैप की हम बात करते या क्या हम सोच सकते हैं उससे? बेटा, सबसे जो अप्रोप्रिएट रोड मैप है, जो जो गवर्नमेंट फॉलो भी कर रही है और हम लोग भी उसी को ही उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं,
वो है इंक्लूजन एंड डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क, मतलब रीचिंग टू द लास्ट पर्सन इन द विलेज एंड एनेबलिंग हिम और हर फॉर गुड गवर्नेंस, ये बेसिक चीज है। जैसे डॉक्टर भावना भी बता रही थी कि बेसिकली जो प्रॉब्लम की जेनेसिस है वो फॉल्टी डेवलपमेंट से उठी है, कि लोगों को प्रॉपर डेवलपमेंटल मॉडल्स नहीं मिले, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ और उसके नतीजा ये हुआ कि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए और उसके बाद प्रोपेगेंडा में वो लोग आ गए। जैसे हम लोग कोई भी जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम लोग कोई भी प्रोपेगेंडा अगर हम डिस्ट्रेस में हैं तो उस टाइम अगर हमको कोई एल्यूर कर देता है या हमको प्रोपेगेंडाइज कर देता है तो हम उसी के रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो ये बेसिकली जो फ्रेमवर्क है वो यही डेवलपमेंटल फ्रेमवर्क और इंक्लूजन एंड गुड गवर्नेंस का ही फ्रेमवर्क है। ये तीन मतलब बेसिक मींस हैं जिनसे कि टैकल किया जा सकता है। अनुष्का, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन? नो सर, थैंक यू। ओके, मोहित। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, खुश रहिए मोहित। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी हमने देखा बंगाल में जस्ट इलेक्शंस के बाद जैसे राइड्स हुए, वोलेंस हुआ काफी, और उसमें वीडियोस यहाँ तक आए थे कि इवन मीडिया और पुलिस की वैंस पर भी हमले हुए थे। तो एज एन आईपीएस ऑफिसर हमारा फर्स्ट स्टांस क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? मोहित बेटा, पहला तो जैसा मैं पहले भी क्वेश्चंस के जवाब में बता रहा था, पहला तो ये है कि यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस इंडिविजुअली। तो पहला तो जो तुमको सपोज मतलब आई प्रज्यूम दैट मोहित इज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ वर्धमान वेयर द वायलेंस इज हैपनिंग इन दिस सिचुएशन। सो एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ वर्धमान आपका पहला जो काम है irrespective of the political ideology, आपका काम यह है कि अगर क्राइम हुआ है तो उस क्राइम की आपको FIR लेनी है, उस FIR के अगेंस्ट आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो ये सब सभी को सीआरपीसी में प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब कोई आपको मतलब यू डोंट हैव टू गो फॉर री इन्वेंटिंग द व्हील, आपको कोई नया काम नहीं करना है, सभी कुछ प्रिस्क्राइब्ड है। उसमें अगर आपको कोई पोलिटिकल मोटिव आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि आपके वहां पे डीआईजी होंगे, एसपी के ऊपर डीआईजी होता है, ठीक है ना। आप डीआईजी को एक रिपोर्ट बना, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना के, जो कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम आपको प्रिवेंट नहीं करता है, आप एक रिपोर्ट बना के आप डीआईजी को फॉरवर्ड कर दीजिए, ही नोज व्हाट टू डू विद इट, ठीक है ना। और जैसा मैं एक किसी और के क्वेश्चन के जवाब में दे रहा था, ऐसे किसी भी सिचुएशन में आपको इंथुजियास्टिक या मोटिवेटेड होने की आवश्यकता नहीं, आइदर वे आपको जो आपका काम है वो रूल ऑफ लॉ का है, आपको जो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो आपको डिस्चार्ज करनी है डिस्पैशनेटली, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल सर्जन का दूंगा, एक सर्जन जब सर्जरी करता है तो उसके सामने एक बॉडी होती है जिसको एनेस्थीसिया देके सुला दिया गया होता है। वो सर्जन अगर मान लो आई सर्जन है तो वो केवल अपना फोकस आई पे रखता है, वो उस टाइम ये नहीं देखता कि यार चलो इसकी जरा किडनी भी खोल के देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं किडनी में भी कोई प्रॉब्लम हो। एज सिविल सर्वेंट्स वी आर ट्रेन्ड एंड सपोज टू डू दिस, एज ए नॉर्मल सिटीजन इट मे लुक मतलब आपको अटपटा लग रहा होगा ये, लेकिन एक सिविल सर्वेंट का जो काम होता है वो स्पेसिफिक काम होता है कि आपको अगर आई सर्जरी करनी तो आपको आई पे ही ध्यान देना है, किडनी के लिए दूसरा स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। तो ये बेटा मैं कहूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी एज ए सिविल सर्वेंट आपके पास आती भी है, एंड बाय दैट टाइम यू विल बी एक्सपीरियंस एंड ट्रेंड टू हैंडल इट, तो इसके लिए वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, वो इप्सो फैक्टो आपको उसके लिए जो नेसेसरी टूल्स और नेसेसरी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएंगी। बट बाय एंड लार्ज आपको सिस्टम के हिसाब से जो आपकी जो डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके अंदर रहते हुए काम करना है।
मोहित आपको आंसर मिल गया या और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, मतलब मैं ये पूछना चाहता था कि लाइक ऑन द स्पॉट क्या मतलब एक्शन रिएक्शन होना चाहिए? मैंने बताया ना कि जैसे मान लीजिए लेट अस प्रज्यूम कि कोई पॉलिटिकल मर्डर हुआ है या किसी का मर्डर हुआ है, तो जो मर्डर विक्टिम है उसके फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो भी आपको पुलिस सपोर्ट देना है, उनकी FIR लॉन्च करनी है, जो कल्प्रिट्स हैं उनको लीगल एक्शन लेना है वो करना चाहिए। एज ए प्रोफेशनल मैं यही कहूंगा। और जैसे मैंने एक सप्लीमेंट्री में आपको बताया था कि अगर आपको उसमें कोई असुविधा आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप एक रिपोर्ट बना के अपने सुपीरियर को भेज दीजिए कि साहब ये मैंने इन्वेस्टिगेशन किए थे और इसमें ये चीजें आई हैं, इसमें दूसरी एजेंसीज के ये इन्वॉल्वमेंट की आवश्यकता है, वो काम दूसरे एजेंसी को असाइन कर दिया जाएगा। तो पूरा पूरा जो बोझ है वो आपको अपने सिर पे उठा के नहीं घूमना है। मतलब उसका जो एक गुरु मंत्र है वो यही हुआ कि आपको अपना काम करना है और अपने काम पर पूरा फोकस करना है, ईमानदारी से काम करना है। जी सर, धन्यवाद। कशिश, तुम कुछ कह रहे थे। मेरे हिसाब से ये ऐसा तो नहीं है कि मॉब मैनेजमेंट पे तो सवाल नहीं था शायद ये। हाँ जी सर, मतलब हाउ टू मैनेज मॉब्स मोहित एंड बेटा, मॉब अगर मॉब हैंडलिंग की पर। प्रॉब्लम है तो मॉब के लिए जैसे रैपिड एक्शन फोर्स है या वहां पे दूसरी एजेंसीज पक्का, अगर ऐसी सिचुएशन हो या तो डिप्लॉयड होंगी पहले से या दे कैन बी कॉल्ड टू इंटरवीन, है ना। तो वही मैंने जैसे कहा कि जैसे आपको लगता है कि ये एक आइसोलेटेड क्राइम नहीं है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसको इस तरीके से हैंडल करनी है, तो आप एक उसको रिकमेंडेशंस के साथ में आप भेज दीजिए या टेलीफोन में बता दीजिए। कई तरीके होते हैं उसके। वंस यू कम इन टू दी सिस्टम यू विल बी ट्रेंड अबाउट दैट। बिल्कुल, तो सबसे बड़ा की टेक अवे ये है कि पहले तो आप ये जानिए कि रोल क्या है आपका और आपका अधिकार क्षेत्र क्या है, क्या काम एरिया ऑफ वर्क है आपका और दूसरे का एरिया ऑफ वर्क क्या है। अगर दूसरा इन्वॉल्व है तो हमें उसको बुलाना है और उसके लिए रिकमेंडेशन करनी है। आई गेस भैया सबसे बड़ा टेक अवे यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कशिश, तुम कुछ कह रहे थे? इनका शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। अचिंत, मुझे कशी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अचिंत नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर अचिंत, मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द वन मोस्ट पेन पॉइंट यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस सर्विस एंड यू वांट टू इंप्रूव इन दिस सिविल सर्विस एज पर योर एक्सपीरियंस। वन थिंग विच आई हैव ऑब्जर्व्ड इज व्हाट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड वाज द रोल परफॉर्मेंस। मैनी ऑफिसर्स एंड स्पेशली दोज हु शूट टू फेम, दे आर नॉट क्लियर एज टू व्हाट दे शुड बी डूइंग एज ए सिविल सर्वेंट एंड व्हाट दे शुड नॉट बी डूइंग एज ए सिविल सर्वेंट। सो इट इज रिक्वायर्ड दैट ए सिविल सर्वेंट शुड नो द डूज एंड डोंट्स, नंबर वन। नंबर टू इज इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी एंड द प्रोफेशनलिज्म दैट आई फाउंड लैकिंग इन मैनी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, पार्शली बिकॉज ऑफ द सेलेक्शन मैकेनिज्म दैट द पर्सन गेट्स इन टू ए सर्विस बिकॉज ऑफ ऑब्टेनिंग सर्टेन मार्क्स, एटीट्यूडनल और एप्टीट्यूडनल वाइज और व्हाट यू कॉल संस्कार गिवन बाय द फैमिली बाय द सोसाइटी एल्यूर हिम टू हैव सम शॉर्टकट्स फ्रॉम द सिस्टम। सो इफ यू आर एबल टू कंट्रोल These instincts and control the greed and lust, which is very likely. So then you can become a successful civil servant, I mean a professional one.
So many times the professional capabilities are lacking in officers, and many times they do not exactly know what they should be doing. पर ये तीनों पॉइंट शायद बहुत बड़े लेसन होंगे सभी के लिए जो भैया ने बोले कि वैल्यू इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म. आप लोगों में से बहुत से लोगों के सवाल ऐसे थे जो मुझे देख समझ करके लगा कि अगर आप लोगों को आज अंदर भेज दिया जाए तो हमारे देश को कम से कम 31 सिंघम तो मिले हुए थे. ठीक है बाकी देखिए उस जो सिंघम वाला जो उत्साह है उसका भी अपना एक महत्व है, लेकिन वो उत्साह एक सिस्टमिक फ्रेमवर्क में प्रोफेशनली अगर उत्साह दिखाया जाए तो ज्यादा उचित होता है. बिल्कुल, अधिकार क्षेत्र में रहते हुए. कशिश कुछ बोलना, तुम आ गए. मेरे ख्याल से अभी भी संपर्क नहीं हो पा रहा है कशिश से. जी 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 अच्छा, इसके बाद एक सवाल था रुचित. सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने जैसे बताया कि वी हैव अ टीम, जिस हमें उस टीम के साथ काम करना होता है, हमें इंडिविजुअल लेवल पे कोई डिसीजन नहीं लेना होता है. बट क्या कोई ऐसे सिचुएशंस आती हैं जहां पर हम ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं कि हम अभी ये वेट नहीं कर सकते हैं कि मे बी टीम क्या डिसीजन ले, एंड उस टाइम पर कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, वी डोंट हैव द टाइम टू रीड द कोड ऑफ कंडक्ट, और हमें क्या लग रहा है उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है, पर अगर वो लेना पड़ रहा है तो फिर हम उसके लिए कितने आंसरेबल हैं उसके बाद. कशिश एक तो मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, थोड़ा सा इसमें मतलब डिविएशन है आपके अंडरस्टैंडिंग में और जो मैंने कहा है उसमें. एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको इंडिविजुअली डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने हैं, आपको इंडिविजुअली डिसीजन लेने हैं. जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको अपने अधिकार क्षेत्र के, या जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको अपने अधिकार क्षेत्र के पूरे बिल्कुल डिसीजन लेने हैं, इंडिविजुअली डिसीजन लेने हैं, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक हैंडीकैप और होता है कि एट टाइम्स देयर इज नोबडी टू गाइड यू, एंड मोर सो एट सीनियर लेवल. जब आप सीनियर लेवल पे पहुंचते हैं और इंडिपेंडेंट आपके पास चार्ज होता है तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप होते हैं और आपका कॉन्शियंस होता है, दो ही चीजें होती हैं जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं. और जो आपने बात कही बिल्कुल सही बात है, एक सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी आपके पास ऑलमोस्ट हर घंटे पे या हर दिन ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें आपको इम्प्रोम्प्टू डिसीजन लेना है. उसमें एक चीज मैं ये कहूंगा कि यू शुड टेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन जो आपको अपने समझ से और अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए जो आपको लगता है कि भाई ये बेस्ट डिसीजन था मेरा. जब भी आपसे अगर किसी जुडिशियल इंक्वायरी में या मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में या आपको कभी फेस करना पड़ेगा तो उसमें भी आपसे यही पूछा जाएगा कि भाई आपने अपने ये डिस्क्रिशन का यूज किया था या आपने ऐसा क्यों किया था. उसमें आपका जो कॉन्शियंस है वो डिविएट नहीं होना चाहिए. फिर जैसे मैंने अगर किसी को शूट करने का ऑर्डर दिया है आई शुड बी स्टैंडिंग बाय इट कि यस आई वाज राइट इन गिविंग दिस ऑर्डर टू शूट. ठीक है ना, तो उसमें एक तो आपको वेवरिंग माइंड से कोई डिसीजन नहीं लेना है, इमोटिव डिसीजन नहीं लेना है कभी भी. एक मतलब सिविल सर्विस का एक बड़ा मतलब थंब रूल है कि नेवर बी इमोटिव इन डिस्चार्ज ऑफ योर ड्यूटीज. कि साहब ये तो आदमी ऐसा हो गया, ये तो बड़ा परेशान होके आया है तो चलो मैं इसकी मदद कर देता हूँ. नो, देर इज ए पॉसिबिलिटी इफ यू सी द थिंग्स डिस्पैशनेटली, हो सकता है वो आपकी पोजिशन को मिसयूज कर रहा हो. तो आपको हमेशा ये देखना है कि इमोशंस को साइड में रखते हुए डिस्पैशनेटली एक डिसीजन लेना है, और ऐसा डिसीजन जो कि आप स्टैंड बाई कर सकते हैं. आई डोंट से राइट डिसीजन, टेक द बेस्ट डिसीजन. वी आर ऑलवेज टोल्ड टू टेक द बेस्ट डिसीजन, नॉट द राइट डिसीजन.
आज आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं, आज से 6 महीने बाद कोई बोल सकता है कि नहीं साहब ये तो डिसीजन ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। जैसे अभी अनुराग जी कई मीडिया रिपोर्ट्स की कई उसकी बात कर रही थी, डॉक्टर भावना भी बात कर रही थी अभी कुछ एनालिसिस की, कुछ पैनल डिस्कशंस की। तो एनीबडी विद एवरेज रीजनेबिलिटी कैन ऑलवेज एनालाइज द थिंग्स इन रेट्रोस्पेक्ट, लेकिन आपको एज ए सिविल सर्वेंट ये बोलना है कि देखिए साहब 12 जुलाई को 7:17 पे मैंने ये डिसीजन लिया था, जो कि 12 जुलाई को 7:17 पर बेस्ट डिसीजन था, 7:18 पर आप दूसरा डिसीजन ले सकते हैं। एंड एज ए सिविल सर्वेंट यू कैन ऑलवेज करेक्ट योर डिसीजन लेटर ऑन। कई कई चीजें ऐसी होती है जिसमें कि आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, कई चीजों में करेक्टिव मेजर्स नहीं ले सकते, तो आप स्टैंड बाई करिए अपने डिसीजन के साथ में कि यस मैंने फायरिंग का ऑर्डर दिया, मैं मजिस्ट्रेट था ऑन ड्यूटी, मैंने फायरिंग का ऑर्डर दिया बिकॉज द क्राउड वॉज डूइंग दिस, यस आई ऑर्डर्ड फायरिंग एंड इन विच 3 पीपल वर किल्ड एंड दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई कुड टेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये मैं कहूंगा कशिश आपको कि जब भी डिसीजन लें बैलेंस माइंड से लें, पूरे फैक्ट्स को ध्यान में रख के लें, क्विक डिसीजन लें लेकिन हिस्ट्री डिसीजन ना लें। आई होप कि अनुराग जी समझा पाएंगे इन दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस, कि क्विक डिसीजन लें लेकिन हिस्ट्री डिसीजन ना लें, और जो डिसीजन लें उस पर स्टैंड बाई करें फिर, क्योंकि जब आप इन चारों पांचों पैरामीटर्स के बाद डिसीजन लेंगे तो यू विल बी टेकिंग ए बेस्ट डिसीजन इन दो सर्कमस्टांसेस। मैं रिट्रोस्पेक्ट में कह सकता हूं कि नहीं कशिश ने ये डिसीजन लिया भाई, इनको फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, इनको टीयर गैस यूज करनी चाहिए थी, बट कशिश कैन ऑलवेज से कि सर एज ए मजिस्ट्रेट आई वॉज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू ओपन फायर। यू आर गेटिंग मी? Yes, sir. Right. I'm getting you, sir. And yes, this was my question, which if you have to take the correct decisions, or you have to take the decisions which you think that these are the correct decisions. So yes, I have got the point. Thank you, sir. Okay. एक छोटी सी चीज मैं इंटरव्यू करना चाह रहा था, एक शायद ये बात सबने ध्यान दी हो, भैया ने एक बात, दो बातें एक्चुअली बोली। पहली बात तो ये थी, इन्होंने कहा कि गुड डिसीजन नहीं होता बेस्ट डिसीजन, उस समय पर बेस्ट जो डिसीजन था वो 2 मिनट बाद बदल भी सकता है, 2 मिनट पहले शायद कुछ दूसरा हो सकता है। तो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका, भैया जैसे बोल रहे थे क्विक और हेस्ट, तो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस सिचुएशन में। जल्दबाजी किए बिना कितनी जल्दी आप सारे फैक्टर्स को कोएलेट करके डिसीजन ले सकते हैं, ये है क्विक डिसीजन मेकिंग। और हेस्टली ये है आप ये सोच लें कि मैं किसी डिसीजन लेते समय कुछ फैक्टर्स को इग्नोर कर रहा हूं, तो ये बहुत बड़ी चीज थी। और एक और चीज जो भैया ने बोली वो ये कि जब आप उस सिचुएशन पर वहां पर हैं तो आपको पता है कि वहां क्या सिचुएशन हुई थी, तो हमेशा उस चीज के घट जाने के बाद लोग बहुत सारी आलोचनाएं प्रत्यालोचनाएं करेंगे आपका, आपकी बहुत सारी वो होगी, लेकिन आपको पता है कि वहां पर मैंने क्या डिसीजन लिया था, दैट कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो नीडेड। अगला सवाल रुचित का था। प्रणाम सर, प्रणाम मैम। यशस्वी होइए। हमारा सवाल ये है कि यूपीएससी में एक सवाल का एक ट्रांजिशन सा आ गया है, पहले और अभी के जिस टाइप का वो सवाल पूछते हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटा जो प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी है उसमें तो शायद मैं उचित व्यक्ति नहीं हूँ उसके बारे में गाइड करने के लिए, क्योंकि उसके अपने एक्सपर्ट्स हैं प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी और उसके लिए जो सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग स्पेशलिस्ट हैं जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं बता सकता हूँ आपको कि अभी जो यूपीएससी का ट्रेंड है वो बेसिकली फैक्ट बेस्ड नहीं है, अभी जो ट्रेंड है वो एनालिसिस एंड ओपिनियन बेस्ड है, कि आप किसी चीज को जो सिचुएशन है कोई घटना हुई है उसको आप कैसे, ये नहीं है कि साहब संसार की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है। आमतौर पे अब आजकल इस टाइप के रेटोरिक जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जा रहे हैं
उसकी जगह आपको अंडरस्टैंडिंग, उसका रीजन ये भी है कि जो फीडबैक मिले सिविल सर्विसेज के बारे में, जो मैं अभी अनुराग जी से हम लोग सभी हाउस में चर्चा कर रहे थे कि जो प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, रिफ्लेक्सेस को बढ़ाने के लिए कुछ इस प्रकार के लोगों को सेलेक्ट करना आवश्यक है जिनका कि रिफ्लेक्सिव जो वो है कैपेबिलिटीज वो सुपीरियर हो। उस वजह से यूपीएससी ने भी कुछ इन हाउस चेंजेस किए हैं, पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उसके लिए जो लोग रेगुलर उसके टच में रहते हैं प्रिपरेशन मेथोडोलॉजीज के, वो आपको संभवतः ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे। अनुराग जी भी विशेषज्ञ हैं उसके, तो ये ज्यादा उस पर प्रकाश डाल पाएंगे कि प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी क्या है। लेकिन यस, आपको जो भी चीज आप पढ़े हैं, जैसे मैं अभी किसी दूसरे प्रश्न के उत्तर में कह रहा था कि आप मल्टी सोर्स अप्रोच रखिए करंट अफेयर्स, अगर आप देख रहे हैं मान लीजिए, तो करंट अफेयर्स में आप ऐसा ना हो कि केवल आप फ्रंट लाइन के आर्टिकल पढ़ के तैयारी कर रहे हैं। आजकल जो यूपीएससी का ट्रेंड है उसमें इस प्रकार की जो वन साइडेड है वो प्रिपरेशन आपको नंबर फेच नहीं करेगी। बेसिकली आपका अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे फुटबॉल के मैच में आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपोनेंट से ज्यादा गोल अर्न करने हैं, ऐसे ही एज ए कॉम्पिटिटर आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि भाई मुझे जो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने हैं वो इतना मेरा टारगेट है। लेट अस से कि 70% है या 72% का टारगेट है, तो वो उसके लिए अभी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आपको एनालिटिकल होना चाहिए और आपको रिफ्लेक्सिव होना चाहिए कि आपके पास अपने फैक्ट्स हैं और आपसे कैसे भी घुमा के पूछा जाए आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्लाई कर सके। जी थैंक यू सर। आई गेस इनका जो सवाल था वो शायद जो यूपीएससी का इंडियननेस पर जो एक फोकस आया है कि भारत की जो एक नई छवि बन रही है, शायद उस पर इनका सवाल था। तो वो बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से देश में जिस तरीके से माहौल होगा, जिस तरह के काम होंगे, उसी तरह से यूपीएससी सवाल पूछेगी। और भैया ने जो एक बात बोली कि जो अलग अलग सोर्सेज की बात है कि आप पीआईबी पढ़ रहे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ रहे हैं, आप डेली गार्डियन भी पढ़ रहे हैं, तो तब जा करके आप एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव बनाते हैं। किसी को अपने दिमाग से खिलवाड़ मत करने दीजिए, सब चीजें पढ़िए, जानिए और उससे अपना एक समझ बनाइए। हर्षित का सवाल था। यस सर। हेलो सर मैम, गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे ट्रेनिंग के बाद हम लोग मतलब सिविल सर्वेंट्स फर्स्ट ज्वाइन करते हैं, ट्रेनिंग वाला फेज एक थोड़ा फन वाला फेज होता है, लोग उसके बाद आते हैं, एंड देन आप ऑफिस में देखते हैं कि मतलब सारे ही लोग आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड मतलब आप कैसे मतलब आपको कुछ टाइम में आपका ओपिनियन वहां पे मायने रखने लगेगा, सो आप कैसे कम टाइम में मैच्योरिटी गेन कर लेते हैं, एंड देन आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया होता है काफी, तो मतलब आप कैसे इतने मैच्योर हो जाते हैं कम टाइम में, आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि मतलब मुझे ये सारी चीजें जाननी चाहिए और मैं ये सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। एंड इसका एक सेकेंड पार्ट ये है कि जैसे आप कुछ टाइम से किसी एक एरिया में सर्व कर रहे हैं, तो आप पता मतलब मुझे आइडिया नहीं इस चीज का कि बाहर की चीजों का उतना पता चलता है या नहीं चलता है, तो कैसे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि मैं मतलब बाहर का भी लर्निंग अपने यहाँ ले रहा हूँ और उसको अपने पर्सनल ग्रोथ और मतलब अपने पर्सनल डिसीजंस में लोगों की भलाई के लिए इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, तो मतलब मैच्योरिटी कैसे गेन करते हैं काफी जल्दी, एंड सिंस काफी ज्यादा आपसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं वहाँ पे, तो मतलब वो आपकी बात मे बी एक फर्स्ट डे तो नहीं, आपको उनको कुछ गाइड करना होगा, सो विद इन 3 months 4 months वो आपकी बात क्यों सुनेंगे जब वो 20 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है आपसे। हर्षित, पहले तो मुझे खुशी है कि एक बहुत अच्छा सवाल तुमने पूछा और मतलब तुमने मैच्योरिटी की बात कही है, मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा तो कि तुम्हारा खुद का सवाल बहुत मैच्योर था ये, और तुमने मैच्योर सवाल बेटा किया है, और एक तरीके से तुमने मुझे भी डाउन मेमोरी लेन 28 इयर्स बैक किया व्हेन आई जॉइंड एज ए प्रोफेशनल। ये एक हार्ड फैक्ट है
एज ए मोर सो एज ए सीनियर सिविल सर्वेंट जब आप किसी भी सर्विस में ज्वाइन करें, ऑलमोस्ट सभी में लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसी भी सर्विस में जब आप एज ए यंग प्रोबेशनर ज्वाइन करेंगे तो ये सिचुएशन आपको आनी लाजमी है, आएगी ही, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है कि आप चाहे आईएएस में ज्वाइन करें, चाहे आईपीएस में ज्वाइन करें या आईआरएस में कहीं भी आप ज्वाइन करेंगे, आपके जो सबॉर्डिनेट्स होंगे और इवन कुछ कलीग्स भी होंगे जो कि एज में भी आपसे सीनियर होंगे और एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा होंगे, उसमें एक तो दो चीजों से आप इस सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। नंबर वन, ट्राई टू इम्बाइब गुड प्रैक्टिसेस। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगा अष्टावक्र जी का। अष्टावक्र जी ने, उनको अगर सांप मिला तो उन्होंने सांप की अच्छाई पकड़ ली, ठीक है। अष्टावक्र जी को अगर कुआं मिला तो उन्होंने कुएं का देखा कि कुएं से क्या हम ले सकते हैं, तो उन्होंने इस तरीके से अपने कई गुरु बनाए, ये जहां जहां वो जाते गए वहां उनको। तो जब भी आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से इंटरेक्ट करते हैं एज ए यंग प्रोफेशनर, एज ए यंग ऑफिसर, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन। आपका, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि इवन आपका जो प्यून है वो आपको कई चीजें सिखा देगा जो कि जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब को या जो एसडीएम साहब है उनको नहीं आता होगा, लेकिन आप अगर उसको प्यून को भी गुड ह्यूमर में रख के बताएंगे तो कई आपको ऐसी प्रैक्टिकल टिप दे देगा जो कि आपको अगले 30 साल काम आएंगी। तो इसमें मंत्रा इसमें यह है बेटा कि पहली बात तो यू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डोंट कैरी योर रैंक और योर सर्विस टू योर हेड कि भाई मैं तो आईएएस हो गया तो मैं सुपर ह्यूमन हो गया। नो, दैट इज नॉट। आपको हो सकता है और अभी 24 साल लगेंगे टू बी ए गुड आईएएस ऑफिसर बाई वर्च्यू ऑफ योर गेटिंग एन अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डजंट मेक यू द वाइजेस्ट पर्सन इन योर ऑफिस, ठीक है ना। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि आपके ऑफिस का कोई भी कर्मचारी, और मैं अभी 28 साल की सर्विस के बाद भी इस फॉर्मूले को ग्राउंड में इंप्लीमेंट करता हूँ कि इवन जो, अब हालांकि अब इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद अब वो स्थिति अब नहीं रह गई है कि ज्यादा लोग एजेड या ज्यादा सीनियर होंगे, लेकिन जब आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी कि भाई ये तो जो डीएम साहब आए हैं ये तो साहब प्यून से भी बड़ी अच्छे से बात करते हैं, बड़े उससे बात करते हैं। एंड दी बिगेस्ट कैच इज कि दिस वे यू आर लर्निंग सम ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड वेरी इनफॉर्मली, मतलब ये एक आपका ट्रेनिंग मीडियम भी है कि आपको प्यून जो है वो हो सकता है ऑफिस प्रोसीजर के बारे में ऐसी टिप्स दे दे, आपका जो क्लर्क है वो आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे दे विच इज नॉट टॉट इन द एकेडमी एंड विच योर पीयर ग्रुप में नॉट बी नोइंग इवन। तो जब भी आप ऐसे किसी व्यक्ति से संपर्क में आते हैं ड्यू रिस्पेक्ट उसको दीजिए, बट इसमें एक बट लगा रहा हूं मैं, बट डोंट अंडरमाइन योर अथॉरिटी और योर सब्जुगेट योर अथॉरिटी टू हिम, कि आप उसको रिस्पेक्ट पूरी दीजिए बट डिसीजन आपका होना चाहिए, अथॉरिटी आपकी होनी चाहिए। ये शुरू के 5 साल जो सर्विस में होते हैं बड़े डाइसी होते हैं, और शुरू के 5 साल में ही आप मतलब आइदर यू मेक योर इमेज इन दी सर्विस और यू किल योर इमेज इन दी सर्विस ऑफ बीइंग ए वेरी हाई हेडेड एंड प्राउडी ऑफिसर जो कि सबॉर्डिनेट्स को कुछ समझता ही नहीं है। तो इसमें मतलब थंब रूल ये है कि आप उस सबॉर्डिनेट के एक्सपीरियंस को प्रॉपर वेटेज दीजिए, उससे जो जो मैं करंट अफेयर्स और इन सब चीजों के बारे में कह रहा था वही आपकी सबॉर्डिनेट हैंडलिंग में भी चीज है कि आप उससे इनपुट्स तो सारे ले लीजिए लेकिन दिमाग अपना इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरीके से नंबर एक। नंबर दो ये है कि नेवर थिंक दैट यू आर एन इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर। बेटा देखो ऐसा है कि जो आईएएस ऑफिसर है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप नीचे की हायरार्की से चलें, लेखपाल जो है वो लगभग 28-30 साल में नायब तहसीलदार बनता है या बीडीओ बनता है, ठीक है। एक नायब तहसीलदार जो है वो 28-30 साल में पीसीएस ऑफिसर बनता है, एक पीसीएस ऑफिसर जो है वो 28-30 साल में आईएएस ऑफिसर बनता है,
ठीक है ना। अब आप इसको बैकवर्ड जोड़िए, कितना हुआ? अनुराग जी मदद करेंगे थोड़ी, मेरे ख्याल से लगभग 90 साल या हाँ 90 साल, 90 साल हुआ। तो एज ए यंग प्रोफेशनर यू आर हैविंग ए डीम्ड एक्सपीरियंस ऑफ 90 इयर्स इन दैट सिस्टम, ठीक है ना। तो आप डे वन से यू आर एन एक्सपीरियंस ऑफिसर बिकॉज ऑफ टू रीजंस, बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ योर कम्पिटिटिव एज एंड बिकॉज ऑफ योर इंटेलेक्ट एंड रिफ्लेक्सेस। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान में रखेंगे, अपने आप को एक्सपीरियंस भी मानेंगे और इनएक्सपीरियंस भी मानेंगे। इस मामले में अगर आप कभी समय मिले, हालांकि अभी तो आप लोग कम्पिटिटिव डेज में हैं, लेकिन जब भी समय मिले तो इस बारे में वेदांत का जरूर अध्ययन करिएगा। वेदांत में इस बारे में मतलब आप कैसे एक अध्यापक होते हुए अध्येता बन सकते हैं, या आप एक शिक्षक होते हुए विद्यार्थी बन सकते हैं। मैं डॉक्टर भावना से कहूंगा कि वो अगर इस बारे में कुछ और कह सके तो अच्छा रहेगा। तो बेटा झुक के चलना, हम लोग को जो डाली फल देने वाली डाली होती है वो हमेशा झुक के चलती है, है ना। और हम प्रकृति से नदी से बहना सीखते हैं। भाभी आवाज थोड़ा दूर से इधर आ जाओ। नहीं ऐसे की मैं प्रकृति से हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो हमको हर किसी से, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमको हर किसी से कुछ कुछ लेते हुए चलना चाहिए और दूसरे के अनुभव का और उम्र का जो हमको आदर करना चाहिए और उस आदर को करते हुए हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाकी हम जो है वो हम है, अगर किसी को हम इज्जत दे रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस की इज्जत दे रहे हैं, उसके उम्र की उसको इज्जत दे रहे हैं, तो उससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। इससे विनम्रता सबसे बड़ा गुण है और उसको विनम्रता को अपनाते हुए आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता भी अर्न करेंगे और लोगों का प्यार भी पाएंगे। वो लोग आपको बच्चे की तरह आपको सम्मान और प्यार भी देंगे जिसके आपके हकदार होंगे, और आपको सबका अनुभव लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता 99% ज्यादा हो जाएगी, जो आप केवल अपने अनुभव से चलेंगे उसकी अपेक्षा। भैया के कुछ बोलने के बाद तो मुझे कुछ बोलना पड़ता है, भाभी ने समझा दिया, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। अनुराग जी उसका कारण है कि मैं उतना पढ़ा लिखा उतना विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अभी भी आप मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ हाउ सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं खुद भी अभी डॉक्टरेट कर रहा हूँ और मुझे लगभग इसी जुलाई अंत में ही थीसिस सबमिट हो चुकी है और इसी जुलाई अंत में ही डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी, जबकि डॉक्टर भावना जो है ये 2005 की डॉक्टरेट है। तो आप अंतर समझ सकते हैं कि जो उसे बौद्धिक स्तर है उसमें जो अंतर होगा। तो मैं अभी ये मैं नाम भूल गया, किनका सवाल था अभी? हर्षित का। हाँ हर्षित, तो मैं मतलब तो सम अप करने के लिए यही कहना चाहूंगा कि जब भी आपको ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो विनम्रता और जो आपकी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका उपयोग करिए, उसको समुचित आदर देते। मैं नहीं कहूंगा कि आप किसी को, किसी क्लर्क को अपने सिर पे बिठा लीजिए या एक ये इमेज दे दीजिए ऑफिस में कि साहब डीएम साहब जो है वो तो इसी क्लर्क के कहने से चलते हैं, यही उसको गाइड करता है, उतना भी मत दीजिए। तो एक कैरेक्टरिंग डिस्ट्रिक्ट अप्रोच जो होती है वो आप रखिए एक, और ये इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये सब जो एस्पेक्ट हैं ये आपके जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में ये सब चीजें कवर की जाती हैं और उसी से ही आप परिमार्जित भी होते हैं। फिर प्रोफेशन में भी आप अपने सुपीरियर्स के साथ में रहते हैं, कोई आपका एक मेंटर होता है उसमें भी, सर्विस में भी, तो ऐसी कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं आती। लोग भी आपको समझते हैं, आपके जो व्यक्तित्व है, आपका जो स्टेटस है, आपका जो सर्विस है, उसका भी प्रॉपर मान देते हैं। तो बिल्कुल, एक सवाल मिली का है वेमेन ऑफिसर्स पर, लेकिन उससे पहले मैं भी एक सवाल इसमें जोड़ना चाहूंगा, इसके बाद मिली पूछेंगी।
जैसे मैं भी कुछ दिन पहले एक लेडी आईपीएस ऑफिसर है, उनसे बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने ये बात बोली, उन्होंने कहा कि ये जो बोला जाता है लेडी आईपीएस ऑफिसर, ये मुझे बड़ा पसंद नहीं है, क्योंकि आईपीएस जो है वो अपने आप में एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है। तो एक जो जैसे आपने वेदांत की बात की, कुछ बच्चे हैं यहाँ जिनको मैंने बोला था सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को, और थोड़ा उनको उससे काफी मदद भी मिली उन्हें। तो हमारे यहाँ पर जैसे संस्कृत में होता था कि हमारे यहाँ जेंडर न्यूट्रल वर्ड्स हुआ करते थे, जैसे अभी एक वो चला था कि उसमें एक संस्कृत श्लोक था जिसमें था कि पुत्राम देही, तो एक बेवकूफ महिला थी, उसने बोला कि ये पुत्राम की जगह पुत्री क्यों नहीं हो सकता, तो उसको ये नहीं मालूम था कि हमारे यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल टर्म्स होते थे। तो वैसे जेंडर ऑफिसर्स में और जो आईपीएस में और इवन सभी सिविल सर्विसेज में, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि क्या हमें उस स्टिग्मा से निकलने की जरूरत है, और जो हमारा इंडिक पर्सपेक्टिव था उधर जाने की आवश्यकता है कि नई महिला सारे रोल निभा सकती है, हमारे यहाँ निभाए हैं। तो एक ये मेरा सवाल था, और इसी में मिली का एक सवाल मैं जोड़ता हूँ। मिली पूछ लो। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मेरा ये क्वेश्चन था कि आजकल तो वैसे बहुत एडवांसमेंट्स हो गए और फीमेल्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं, और वो फ्लरिश भी कर रही हैं अपने फील्ड्स में और बहुत प्रॉस्पर हो रही हैं, लेकिन क्या कभी ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पे उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है? बेटा पहले तो मैं बता दूं कि एक तो पहली बात, अगर आप देखें तो ऑफिसर वर्ड खुद ही जेंडर न्यूट्रल है। जब आप ऑफिसर हो जाते हैं तो आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आप अधिकारी होते हैं, और नंबर एक जेंडर न्यूट्रल बात है, और दूसरे जितने रूल्स हैं आपको गवर्न करने वाले वो सारे जेंडर न्यूट्रल हैं। आप कहीं भी कोई, इवन हमारा जो संविधान है वो जेंडर न्यूट्रल है संविधान में, और हम सभी जो सिविल सर्वेंट्स काम करते हैं वो संविधान के दायरे में काम करते हैं। तो पहली बात तो जो अनुराग जी लेडी आईपीएस ऑफिसर की बात कह रहे थे, ये भी मीडिया का कॉइन किया वो टर्म है। सर्विस रूल्स में या इवन मैं बड़े मतलब गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ कि इवन सर्विस में भी महिला पुरुष का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। हाँ, इसमें एक चीज ये ऐड कर दूं, इवन लेडी ऑफिसर्स को भी सर बोला जाता है। लेडी ऑफिसर तो कहा जाता है क्योंकि उसका एक बड़ा दूसरा रीजन है कि हमारे समाज में महिलाओं का बड़ा उच्च स्थान रहा है। तो सर्विस में भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हमारे सर्विस में भी जो हमारी सहकर्मी, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, जो भी महिलाएं आई हैं उनका उचित सम्मान किया जाए। तो वो अलग चीज है, इसलिए लेडी ऑफिसर कभी कभी कह दिया जाता है, हालांकि उसको भी लोग धीरे धीरे हटा रहे हैं, भी ऑफिसर ही कहा जाता है। मैं भी जब भी संबोधित करता हूँ तो मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा डियर ऑफिसर्स ही बोलता हूँ कि डियर ऑफिसर्स वी आर टू डू दिस। और एक चीज और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, इवन नक्सल ऑपरेशन में भी जो हमारी ऑफिसर्स हैं वो इतना अच्छा काम कर रही हैं कि हम लोग कभी कभी जब एप्रिसिएशन या वो हमें असेसमेंट करना होता है तो हम लोग एक बात बड़ी कहते हैं कि, और मैं बड़ी गंभीरता से बात कह रहा हूँ, कि एक महिला अधिकारी वो सारे काम कर सकती है जो एक पुलिस अधिकारी कर सकता है, लेकिन ऑन द कंट्रेरी एक पुलिस अधिकारी वो सारे काम नहीं कर सकता क्योंकि एक महिला अधिकारी कर सकती है। इस वजह से अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं तो महिला पुरुष का ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। किरण बेदी जी जो है हमारी पहली महिला ऐसी थी जो कि आईपीएस में चयनित हुई थी, किरण बेदी जी के कंपैरिजन में कई पुलिस ऑफिसर्स, अगर आप केवल मतलब जेंडर को साइड में कर दीजिए, केवल आप कैपेबिलिटीज और कन्विक्शन और प्रोफेशनलिज्म की बात करें तो आप कहीं नहीं पाएंगे। तो ये कहना कि मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से इसके कतई उसमें नहीं हूँ, और ऑफिसर हमेशा से जेंडर न्यूट्रल वर्ड रहा है, आपका जो काम करने का दायरा है वो जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है,
महिलाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ उनकी विशेषताएं होती हैं, कुछ उनकी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो कार्य क्षेत्र है उसमें व्यवस्थाएं करनी पड़ती की जाती भी हैं। लेकिन उसके अलावा काम में कोई ऐसा ये डिफरेंशिएशन करना, और अब तो यहाँ तक बात हो रही है कि अब तो इवन पहले जॉब असाइनमेंट में थोड़ा सा जो सुपीरियर्स है वो ध्यान रखते थे कि भाई ये लेडी ऑफिसर है इसको इस सेंसिटिविटी में मत भेजो, अब तो वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि कई ऐसी अधिकारी हैं जो कि खुद वॉलंटियर होके बोलती हैं कि सर हम ये काम कर लेंगे, तो उस समय हम उनको ये कहें कि नहीं आप चूंकि एक महिला है इसलिए हम आपको इसमें नहीं भेजेंगे, वो उनके साथ संभवतः अन्याय होगा। तो इसलिए इवन अब जॉब असाइनमेंट में भी जब तक कि कोई महिला स्वयं कोई अपनी असुविधा ना बताए जॉब असाइनमेंट में कोई भी इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं होता है। मिली कुछ और कहना चाहती हूँ? जी सर मैं समझ जी मैम। पहले का प्रश्न भी पूछा गया था कि एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ में कैसे हमको कोप करना होता है, तो यहाँ पर महिलाओं को एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ में निभाने में थोड़ी दिक्कत आती क्योंकि हमारी जो पुरुष प्रधान समाज है हमारा यहाँ पे महिलाओं को इतनी आसानी से जो बुजुर्ग लोग जो मतलब मिडिल एज लोग हैं वो इतनी आसानी से सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो जब उनकी बॉस बन के एक महिला जाती है, ये तो सर ने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव बात बोली कि ऊपर से तो पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन जब उनकी बॉस बन के एक महिला जाती है तो उन लोगों के मन में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम एक महिला की बात क्यों सुने, अब एक महिला हम पर शासन करेगी, इस तरह की कुछ कुछ बातें आती हैं जिसकी थोड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। तो इसके लिए मेरे पास बस एक ही टिप्स है महिलाओं के लिए कि आप अपने को फर्म रखिए, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, विनम्र बनिए, सबकी सुनिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, फर्म रहिए और अपने सिंगल ट्रैक पे चलते रहिए, सबका सम्मान करते हुए आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे जो लोग आपको एक उपहास की दृष्टि से देख रहे हैं, जो आपका साथ नहीं देना चाहते हैं, जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके साथ सबके बात करने का तरीका अच्छा होगा, आपका काम अच्छा होगा, तो आपको सम्मान मिलना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा उन लोगों से भी। यहाँ पे मैं एक मिली एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा। यही जमशेदपुर में एक महिला अधिकारी है जो कि फॉरेस्ट सर्विस की है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर है, तो वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था और वो शायद आपके लिए उपयोगी भी होगा कि शुरू में लोग उनको बोलते थे कि भाई फॉरेस्ट सर्विस में लेडी ऑफिसर क्या करेगी, ये क्या जंगल में जाएंगी हमारे साथ पोचिंग को रोकने के लिए, क्या ये इनको तो पोचर जो है खुद ही उठा ले जाएंगे, मतलब ये उस महिला का कहना था कि उसको ये शुरू में टॉन्ट दिए गए गॉसिप जो ऑफिस गॉसिप होती है उसमें। तो उसने कहा कि ठीक है आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं नहीं जा सकती, ठीक है आप कम कर लीजिए, आपको मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और मुझे सुपरवाइज करना है, अब आप आगे जा रहे हैं, आप मेरे चूंकि बॉस नहीं है इसलिए आप मुझे ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि मैं कहीं पे रहूं या ना रहूं। और जब वो वहां पहुंच गई और उनसे आगे पहुंच गई तो उनको अपने आप आंसर मिल गया। तो एक जो इंग्लिश में सेइंग यहाँ पे मैं कोट करूंगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो जो भी हमारी बेटियां हैं, अब आप लोगों को मैं बेटी के तौर पे कहूंगा कि जो बेटियां हैं उनको ये टाइम आ गया है कि उनको ये दिखा देना चाहिए कि भाई हम भी जितना आप काम कर, जो मैंने शुरू में ओपनिंग में कहा कि हम वो सभी काम कर सकती हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे काम है जो कि हम ही कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल पुलिसिंग में बताता हूँ आपको कि जैसे कोई फीमेल विक्टिम है उसके लिए अगर कोई लेडी ऑफिसर है वो उससे ज्यादा बेटर तरीके से उस केस को हैंडल कर सकती है कंपेयर टू ए मेल ऑफिसर। तो ये मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा एग्जांपल है कि ए लेडी ऑफिसर कैन डिलीवर मोर देन ए जेंटलमैन ऑफिसर, ठीक है ना। इसमें कभी भी कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स या कोई लाने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको उससे विचलित होने की आवश्यकता है। अगर कोई ब्रिकबैट्स आते भी हैं तो उसको हंसते हुए झेलिए। जी सर थैंक यू सो मच। कहने का मतलब ये है कि आप जो है वो लक्ष्मी बाई और अहिल्या बाई लोधी वाले परंपरा से हैं, अपने आप को कमजोर समझना बंद करिए। बिल्कुल सही बात है।
और 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 अपने एक्शन से जवाब दीजिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक सवाल अंजलि का है, भूमित का है, पहले भूमित एक सवाल पूछ रहे थे। हेलो। हाँ बोलिए भूमित। भूमित अच्छा। जय हिंद सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमें अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमें मार्गदर्शन दे। इस संबोधन से बड़ा अच्छा लगा मुझे, जय हिंद से। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम सबको अपना कीमती समय निकाल करके मार्गदर्शन देने आए। सर तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे एक आईएएस ऑफिसर बहुत मेहनत करके अपने उस मुकाम तक पहुंचता है, उसके बाद भी सर कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं कि जैसे अभी हमने पीछे कुछ समय पहले एक वाक्य देखा जिसमें अनिल विज जी जो कि हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने एरिया की एक एसपी से एक बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टली किसी बात को लेकर के बोला कि आप यहाँ से गेट आउट हो जाइए। तो सर क्या एक आईएएस ऑफिसर इतनी इंसल्ट के लिए ओपन होता है? क्योंकि ये जो वाक्य हुआ वो इस चीज पे हुआ कि जो अनिल सर थे वो डायरेक्टली उन एसपी मैम को दोषी मान रहे थे कि जो हमारे यहाँ पे ड्रग्स की और इलीगल शराब की सप्लाई हो रही है उसके लिए वो डायरेक्ट उनको दोषी मान रहे थे। जबकि सर मेरा मानना ये है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी भी कोई ज्यादा बड़ी गलती थी नहीं, उन्होंने बोला कि मैंने कानून के दायरे में रह के उनकी खोज करके उनको अरेस्ट करवाया, उसके बाद वो लोग बाहर आकर के फिर वही काम करेंगे, तो उसके आगे मैंने अपने सुपीरियर से बात करी लेकिन उसके रिलेटेड कोई लॉ था नहीं। लेकिन उस स्टेटमेंट पर अनिल विज जी ने बोला कि आप मुझसे आर्ग्यू मत करिए एंड प्लीज गेट आउट ऑफ दिस मीटिंग, सामने सारे लोगों के सामने और जो उनसे जूनियर थे जो उनके सबॉर्डिनेट थे उनके सामने। तो सर क्या एक आईएएस ऑफिसर, एक अच्छी रैंक का आईएएस, एसपी इज अ गुड रैंक आईएएस ऑफिसर, तो सर क्या एक आईएएस ऑफिसर इस चीज को डिजर्व करता है? भूमित मैं इस विशेष घटना पे तो कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग में ये कह सकता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको पब्लिक जो फिगर्स हैं चाहे वो देश के राष्ट्रपति महोदय हों, प्रधानमंत्री जी हों या जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसमें कि सभी और वो बताया भी जाता है और सभी को जानकारी भी होती है। पहली चीज तो ये अगर कोई कभी किसी ऑफिसर को, एक तो ये जो इंस्टांसेस हैं ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हैं, मतलब आमतौर पर इस प्रकार का वाद विवाद नहीं होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या मिनिस्टर्स में और ब्यूरोक्रेट्स में, ठीक है ना, नंबर एक बात। फिर भी अगर कोई इस प्रकार की स्थिति होती है तो उसको भी जो सुलझाने के तरीके उसी एसओपी में दिए गए हैं। उस एसओपी में ये बड़ा स्पष्ट है कि अगर आपसे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अभद्र व्यवहार करता है तो आप उसकी उसे उस समय उलझने की, ये वैसे भी देखिए जब भी एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन मान लीजिए आपको कोई गाली देता है तो लॉ क्या कहता है, लॉ क्या कहता है कि आपको उसको गाली दीजिए या उसे हाथापाई कर लीजिए, लॉ ये कहता है कि आप उसकी कंप्लेंट कर दीजिए, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर कोई भी, देखिए पहली बात तो जैसा आपने कहा कि क्या वो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर ये चीज डिजर्व करता है, नंबर एक अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है उसने ग्रॉस मिसकंडक्ट भी किया हुआ है तो उसके लिए प्रोसीजर बना हुआ है उसको पनिश करने के लिए, उसका उसका जो इलाज है वो मॉब लिंचिंग नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक तो जो हमारे जो ऑनरेबल जो पब्लिक सर मतलब हमारे जो ऑनरेबल लीडर्स हैं उन्हें भी अपनी जो मतलब जो अपनी उनकी लिमिटेशंस हैं वो पता होनी चाहिए, जो शायद इस मामले में शायद उनको पता नहीं होगी या भावावेश में वो निकल गया होगा उनसे। इसी प्रकार से जैसे आप अपने सबॉर्डिनेट से भी डील करते हैं, किसी ने कोई गलती भी की तो हमें उसको गाली देने का अधिकार नहीं है, हमें उसको एडवाइजरी लेटर देने का, वार्निंग देने का वो सब अधिकार है जिसका कि वो समुचित उत्तर देगा या अपनी बात स्पष्ट करेगा, ठीक है ना।
तो पहली चीज तो ये है कि अगर कभी आप इससे पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार ऐसी परिस्थिति में फंसने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, सौभाग्य तो नहीं कहूंगा। तो उसमें एक बड़ा सीधा सा है कि आप उस टाइम उस मौके पे विनम्र हो जाइए और बोलिए कि सर संभवतः मैं अपनी बात आपसे स्पष्ट नहीं कह पा रहा हूँ, तो इस विषय में अगर मुझसे डिटेल्ड एक रिपोर्ट मांग ली जाएगी तो मैं इसको ज्यादा स्पष्ट तरीके से पूरे फैक्ट एंड फिगर्स के साथ कह पाऊंगा। तो ऐसे मौकों पे भी, जैसे मैंने पहले सबॉर्डिनेट से डीलिंग के लिए बात कही, ये खाली ये मंत्री जी की बात नहीं है, आपका चीफ सेक्रेटरी साहब भी बुला के आपको चारों बात सुना सकता है। और कई ओकेजन पे आपको लगेगा कि नहीं मैं गलत हूँ। जैसे मैं एक बताऊं, आसाम का एक एग्जांपल बताऊं, आसाम के हमारे एक चीफ सेक्रेटरी साहब थे, अभी रिटायर हो गए हैं, पंजाब के ही थे, एसडी सिंह सर। उनका ये कहना था कि भाई जब तक मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था मुझे लगता था मेरे ऊपर सारे गलत है, जब मैं धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ा हूँ तब मुझे पता लगा कि नहीं भाई इन लोगों को भी सोचना आता है। तो ये कन्फ्लिक्ट रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। जनरेशन गैप्स भी रहते हैं, जैसे हमारे समाज में हमारे जो दादाजी और पिताजी और हमारे बीच में जनरेशन गैप्स थे, वही सर्विसेज में भी रहते हैं, वही आपके जो गैप्स हैं वो आपके पॉलिटिकल बॉसेस और ब्यूरोक्रेटिक बॉसेस के बीच में भी रहते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन उसका डील करने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि आप उसको विनम्रता से डील करिए, आपको कोई गलत बात भी कह जा रही तो उस मौके पर उसको पी जाइए। मान लीजिए कि मीडिया ने भी बवाल मचाया कि साहब आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब की तो बेइज्जती कर दी गई, तो आप उसको इशू मत बनाइए, क्योंकि मीडिया दूसरे फ्रंट पे खेल रहा है, वो शायद आपके और उनके बीच में डिफरेंसेस को एक स्पाइसी न्यूज बना के प्रस्तुत करना चाह रहा है। आमतौर पे जो मेच्योर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं ऐसे मौकों पे कमेंट करने से विनम्रता से मना कर देते हैं कि भाई इस मामले में मैं नहीं कह पाऊंगा, आप इस विषय में अगर पूछना है तो मेरे सुपीरियर से जाके पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार की सिचुएशन को अवॉइड करना, एक इसमें भी आपका रिफ्लेक्स और जो आपका इंटेलिजेंस है वो काम आएगा, ठीक है ना। तो उसमें आप उस मौके के हिसाब से उस सिचुएशन में क्या बेस्ट पॉसिबल है, विनम्र रहते हुए आप उसको अवॉइड कर सकते हैं सिचुएशन को, और बाद में आपको जो नियमानुसार कार्रवाई करनी है, आप कॉम्पिटेंट हैं, आप उसको कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है अरे मोहित। ये बात भूमि, कोई हाँ जी सर, क्वेश्चन? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर, नहीं मेरे को क्लियर हो गया। हाँ, तो इसमें मैं इस मतलब विनम्रता एक बेसिक चीज है कि आपसे गलत बात भी कही जा रही है और आपको लगता है कि नहीं आप सही है, तो आप विनम्रता से कह दीजिए कि साहब मैंने जो उचित समझा किया, अब आपको लगता है कि मैं गलत था तो आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करने का प्रयास मैं करूंगा। आपको उदाहरण बताती हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम लोग कोई भी अछूते नहीं, सब उनको जानते हैं। भारत देश के उप प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया था। एक बार एक व्यक्ति ने उनके मुंह पे थूक दिया, अब कितनी बड़ी बात है कि देश के उप प्रधानमंत्री के मुंह पे किसी ने थूक दिया। उन्होंने जो गमछा पहना हुआ था उससे अपना गाल साफ किया और बोले बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश के लोगों को गुस्सा थूकना तो आया। अब आप इससे लगा लो, अगर किसी को गुस्सा आया है तो उसको ठीक है, उस समय हम छोटे बन जाए थोड़ी देर के लिए तो कोई परेशानी नहीं है, बाद में हम अपना पक्ष रखेंगे सही ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अपना एक ये ऐड करना चाहूंगा कि अगर उन अधिकारी महोदय की जगह मैं रहता तो संभवतः अनिल विज जी से यही कहता कि सर संभवतः जो मेरे कार्य प्रणाली है उसमें कोई त्रुटि रह गई होगी जो आपने नोटिस की है, और जैसा आपने बताया है वैसा आगे हम करने का प्रयास करेंगे, तो शायद इस सिचुएशन का अवॉइड किया जा सकता था। यहाँ इस सवाल लेकिन से उसमें रिलेटेड एक और छोटा, कहूंगा कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस टाइम भीरू या मीक हो जाइए, हाँ
आप अपनी बात को बिल्कुल विनम्रता से एक इसको ट्रेनिंग में इसको एक मतलब एक्चुअली सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो जो ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहलाया जाता है, इंग्लैंड का जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वही हमारे देश में अभी तक चल रहा है। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल में एक बड़ा अच्छा ऑफिसर की क्वालिटी कही जाती है कि पोलाइट एंड फर्म, कि हम पोलाइट हैं लेकिन हम अपने काम में फर्म हैं। तो आप अगर पोलाइट एंड फर्म हैं तो आप बड़े आसानी से इस प्रकार की सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके साथ कोई अभद्रता हुई है, या जैसे अभी महिलाओं की बात चल रही थी, अगर किसी महिला के साथ किसी ने अभद्रता की है उसके लिए नियम कानून बने हुए हैं, आप उसमें कंप्लेंट कर दीजिए, उस पर कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और जो जोड़ना चाह रहा था, सवाल भी इसी में था, इसके बाद एक अंजलि का सेम सवाल था। जैसे ये इन्होंने भूमित ने बात बताई जो जिस प्रकार का उल्लेख किया, आपकी दोनों लोगों की बातों से एक बड़ी चीज समझ में आई, वो ये कि कोई भी सिविल सर्वेंट और जो उस समय पर है उसके लिए उस समय पर अपने आप को विनम्र बनाए रखना और प्रोसेस पर तब भी अड़े रहना बड़ा आवश्यक है। जैसे आपने कहा कि हम ये बोलेंगे कि ठीक है, हम आप हमसे अगर रिपोर्ट मांग ली जाए तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसको दे पाएंगे। एक जो चीज अभी देखने में सामने आती है वो ये कि जो यंग ऑफिसर्स जाते हैं, और ये जो भी ये इवेंट भी बता रहे हैं वो भी एक महिला जो थी वो भी यंग ऑफिसर थी, तो उनमें कहीं एक ये फीलिंग रहती है कि हम अब हमें एक दैवीय शक्ति है, मतलब मैं बहुत उसमें एक बोल रहा हूँ कि अब हम पर जो है वो कोई दैवीय शक्ति है और हमसे बड़ा कोई नहीं है, और शायद संविधान पढ़कर के भी संविधान को उस समय पर वो भुला देते हैं या समझ नहीं पाते कि उनके ऊपर भी जो है वो लोग हैं जिनसे कम से कम पब्लिकली तवज्जो से बात करनी है। तो इसको कैसे हम एक ठीक कर सकते हैं, और इसी से रिलेटेड एक सवाल अंजलि का भी है, तो मैं बोलूंगा अंजलि भी सवाल पूछ लें अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने सोशल मीडिया के बारे में और मीडिया इन्फ्लुएंस के बारे में बताया, तो यंग प्रोफेशनल्स जो है वो कैसे इससे अनइफेक्टेड और मतलब लो इन्फ्लुएंस्ड रह सकते हैं जब मीडिया ओनली हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन देती है कॉमन पीपल को, और हर दिन एक नया इंफॉर्मेशन वो अपनी तरह से पोर्ट्रे करती है। सो हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस? अच्छा सवाल है बेटा। पहले मैं अनुराग जी जो बात कह रहे थे वो पूरी कर दूं, क्योंकि दोनों अलग अलग विषय हैं। जो आपने बताया कि मतलब अनुराग जी ने बिल्कुल सही कहा कि सुपर ह्यूमन वाली एक फीलिंग आ जाती है। कुछ हमारे समाज में भी ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं कि हम लोग जो इस प्रकार के अचीवर हैं उनको ये मान लिया जाता है कि भाई आपने तो कोई बड़ा तीर मार लिया है, जबकि अगर आप उसमें सेवा भाव रखें, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी प्रधान सेवक की बात कही है, वो बहुत एक गंभीर और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो प्रधानमंत्री ना कहके खुद को प्रधान सेवक कहते हैं। तो उसमें अगर आप उस फीलिंग से जाएंगे तो आपको इस प्रकार का घमंड नहीं होगा। बड़े बड़े जो अगर आप फिर मैं, क्योंकि मैं भी वेदांत का विद्यार्थी भी रहा हूं, तो बीच बीच में वो थॉट्स आ जाते हैं कि बड़े बड़े जो भक्त लोग हुए हैं, भक्त सम्राट भक्त शिरोमणि हुए हैं, उनमें भी घमंड आ जाता था कि भाई मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो भगवान को कुछ ऐसी लीला करनी पड़ती थी कि उनकी जो वो है, उनका जो घमंड है वो दूर हो जाए। जैसे ये जो घटना भूमित ने बताई थी, इसमें भी संभवतः दोनों लोगों को ये था कि भाई मैं मंत्री के रूप में बहुत पावरफुल पर्सन हूँ और मैं आईएएस ऑफिसर के रूप में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में सुपर ह्यूमन हूँ, जबकि दोनों लोग ऐसा नहीं है। दोनों लोग एक टीम के, एक व्यवस्था के सदस्य हैं। मंत्री जी भी एक व्यवस्था के सदस्य हैं, उनको भी अपने दायरे में काम करना है, और जिलाधिकारी को भी अपने दायरे में काम करना है, और दोनों लोगों का दायरा अलग अलग है। उसमें कोई ऐसी ईगो वाली बात होनी नहीं चाहिए थी। 5 साल बाद मंत्री जी भी सड़क पे होंगे और 30 साल बाद आईएएस ऑफिसर जो है वो भी सड़क पे होंगे। दोनों लोग एक सामान्य नागरिक होंगे देश के। तो इसमें पहली चीज तो जो ईगो एंड सुपर ईगो है उससे दूर रहना चाहिए। मैं सौभाग्य से एचबीटीआई कानपुर का ही विद्यार्थी रहा हूँ, तो
जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैं जस्ट एक लाइटर साइड में ये बात शेयर करना चाहूंगा। एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ, उसने सेकेंड ईयर वाले से पूछा कि सर आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम में कौन सी रैंक थी। उसने बोला कि बेटा तुम्हारी कौन सी थी, उल्टा पूछा क्वेश्चन। फिर उसने ये बोला कि भाई यहाँ जितने लोग तुमको दिखाई दे रहे हैं इंक्लूडिंग प्रोफेसर्स, वो सभी अचीवर्स हैं, ये जो तुम्हारी रैंक है ये इसकी रेलेवेंस इस प्रमाइसेस में नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सभी लेवल प्लेइंग फील्ड है। जैसे आप अगर मसूरी चले जाएं आईएएस एकेडमी में, तो वहां जितने प्रोफेशनल है सभी आईएएस ऑफिसर्स हैं, और फैकल्टी वाले भी जो है वो भी सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में भी काम कर रहे हैं तो ठीक है, आपने सिविल सर्विसेज में 10th रैंक लेके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑप्ट किया है, आपका जो काउंटर पार्ट एसपी है वो भी एक रेस्पेक्टेबल रैंक लेके आईपीएस में आया है, ठीक है ना। तो ये समझना, इसमें अगर आप अपने को एक सिस्टम का पार्ट समझेंगे तो कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैं सुपर हूँ, ठीक है ना। और ये सब समस्याएं तभी आती हैं जब दोनों में से किसी एक को ईगो या सुपर ईगो होती है। ये तो अनुराग जी से जो चर्चा हो रही थी उसकी बात थी। अभी जो दूसरी बात आप सोशल मीडिया की कह रही थी, उसमें ये है कि देखिए, पहली बात तो जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आपको सेलिब्रिटी नहीं बनना है, मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो सेलिब्रिटी बनने के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। आप अच्छा काम करें, बड़ी अच्छी बात है, आप अपना कर्तव्य पालन करें। आपको अगर मान लीजिए कानपुर नगर जिला दिया गया है, आपको उन्नाव जिला दिया गया है, तो उन्नाव जिले के उत्थान के लिए आप काम करें कि आज से 50 साल बाद उन्नाव जिला जो है वो देश का सबसे उन्नत जिला हो जाए, वो सब आप काम करें। लेकिन आप अपने को प्रोजेक्ट करने के लिए ऐसे काम ना करें जो कि आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट दें। तो ये एक तरीका है सोशल मीडिया का। देखिए, जैसे जो ब्लेड होता है, ब्लेड से आप गर्दन भी काट सकते हैं, ब्लेड से आप शेविंग भी कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन है, उससे आप बिजली भी बना सकते हैं, और उससे आप हिरोशिमा और नागासाकी भी कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया या जो है ये डबल एज्ड वेपन है। अगर आप उसको कंट्रोल्ड वे में यूज करेंगे, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, एक अपने जो जॉब प्रोफाइल है उसमें ऑगमेंट करने के लिए एज ए टूल यूज करेंगे, तो आपका उसमें अच्छा होगा, उसमें फायदा होगा। और आप अगर उसको डेमन की तरह यूज करेंगे तो शायद वो जो हमारे शास्त्रों में भस्मासुर की कथा बताई जाती है वही हश्र होगा। इसलिए ये जो टूल्स सभी अच्छे हैं, सोशल मीडिया भी बड़ा अच्छा टूल है। इवन अभी तो ई गवर्नेंस में हम लोग 90% जो काम है वो सोशल मीडिया पे ही कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया या जो रिस्ट्रिक्टेड मीडिया है उस पर काम कर रहे हैं। इवन जो गवर्नमेंट के या जो लोकल ऑफिसेज के जो प्रोजेक्शंस हैं जो पहले नहीं किए जा रहे थे, वो भी अब सोशल मीडिया पे किया जा रहा है, उसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका प्रोजेक्शन जो है वो आपकी टीम का प्रोजेक्शन होना चाहिए, गोल जो है वो इंडियन टीम का होना चाहिए, गोल सेंटर फॉरवर्ड का नहीं होना चाहिए ना। या आपने अगर डिफेंड किया है एक गोल को तो वो टीम इंडिया का डिफेंस होना चाहिए, वो गोलकीपर का डिफेंस नहीं होना चाहिए। इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अब आखिरी दो सवाल लूंगा, उसके बाद भैया से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े सबकी डिमांड थी कि एक छोटा सा कोई एनेक्डोट, कोई किस्सा जो आपके सर्विस के दौरान से आपको ध्यान हो तो वो बता दे। दो सवाल बस आखिरी, एक स्पर्श का और एक जागृति का, ये लोग एक एक सवाल और पूछना चाहते थे। हाँ भाई, दोनों लोग पूछ लो, भैया एक साथ ही ले लेंगे। पहले स्पर्श, तब तक आपकी अनुमति हो तो मैं चाय पी लेता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ भैया, स्पष्ट कह रहे हैं सर, क्लियर हो गया। अच्छा ठीक है, जागृति सर, एक की क्वेश्चन था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी द मोटिवेशन एंड विजन ऑफ यंग ब्यूरोक्रेट्स दैट आर गोइंग टू शेप द फ्यूचर ऑफ भारत। सो व्हाट, हाउ यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी? जागृति, वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो इंग्लिश में जवाब दूं या हिंदी में जवाब दूं?
सर जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है ठीक है, नहीं क्योंकि मतलब जिसमें सभी लोग समझ पाए मेरा ये उद्देश्य है, सुविधा दोनों में नहीं है, किसी में भी जवाब दिया जा सकता है। तो जो मिशन ऑफ द ब्यूरोक्रेट बेटा मैंने आपको बताया कि यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, ये मतलब एक आप अपना एक ध्येय वाक्य बना लीजिए कि यू आर नॉट जागृति, यू आर नॉट ए इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यू आर ए पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम, यू आर ए पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो एज ए ब्यूरोक्रेट स्पेशली जो लोग आईएएस और आईपीएस में जाएंगे उनके लिए बेसिकली जो है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो रूल ऑफ लॉ है, जो भी आपको काम करना है वो रूल ऑफ लॉ में करना है, आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो जुडिशियस डिसीजंस लेने हैं, इम्पार्शियल डिसीजंस लेने हैं। एक आप लोगों की जानकारी के बताते हैं, जब भी आप एज ए सिविल सर्वेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ओथ लेनी पड़ती है एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनका पूरा पालन करूंगा। ये जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं वहीं पे आपसे एक ओथ रिटन ओथ करवाई जाती है, और मैं ये चाहता हूं कि वो खाली लेटर्स में ओथ ना रहे, वो ओथ आप पढ़ें उसको। फॉर दैट मैटर आप लोगों को जानकारी होगी कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं दे ऑल सर्व द कंट्री अंडर ओथ, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो कोई भी हो, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ओथ्स हैं ये लेटर्स में चली जाती हैं, स्पिरिट में नहीं आ पाती हैं। जिस दिन आप इन ओथ्स को स्पिरिट में कर लेंगे दैट इज द क्रक्स ऑफ व्हाट यू शुड बी डूइंग एंड व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग, ठीक है ना। तो ये एक इसका ये है कि दिस शुड बी योर मिशन। जागृति ठीक है जी सर, थैंक यू। भैया को चाय पी लेने दो और उसके बाद जो है एक सवाल मेरा एक लालच मेरा भी है तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उस खत्म करने से पहले। जैसे कि हम लोगों ने देखा है लगातार कि पुलिस की इमेज पर बहुत बात होती है और हम सब जानते हैं कि अपने ही बहुत भैया लोग हैं कि एक बहुत थैंकलेस जॉब है, मतलब लगातार आप परिवार से दूर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं और शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब होती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो आम जनता में परसेप्शन है मीडिया और ये सब चीज़ें जो इन्होंने भी खराब किया, लेकिन जो परसेप्शन एक बना दिया गया है तो हम कैसे उसको ठीक करें, हम कैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है कि पिछले साल हम लोग जब यहाँ कोविड में लॉकडाउन हुआ हम लोग राशन वगैरह बांट रहे थे तो पूरे कोविड के दौरान हम लोग रात में 12 बजे बांट करके आते, सुबह 4 बजे यहाँ पर लोकल पुलिस वाले थे वो घर पे आ जाते थे कि भैया चलिए फिर बांटने चलना है, हम लोग सो के नहीं उठ पाते थे और वो आके जगा देते थे और वो भी हमारे साथ ही 12 बजे वापस लौटते थे, लेकिन सुबह 4-4:30 बजे नहा धो करके आ गए। तो वो एक मतलब अपने उस पे मेरे लिए बहुत मूविंग एक वो चीज थी, मुझे लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए कि जिससे इनकी इमेज जो है वो ठीक हो, क्योंकि ये जो ये बहुत बॉलीवुड ने या इस तरह के लोगों ने बना दिया है 20 रुपए 100 रुपए दे देते हैं और ऐसा हो जाता है, तो कैसे हम वो इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज करें भैया। पहली बात तो मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा अनुराग आपसे इस बारे में, इमेज बिल्डिंग की पर से कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब मैंने अपने करियर में कभी भी इनमें इमेज बिल्डिंग की परवाह नहीं की है फॉर द सिंपल रीजन। और एक चीज से मैं और आपको मतलब एड ऑन करना चाहूंगा, कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा हूँ, एड ऑन करूंगा कि केवल ये पुलिस के साथ ही अव्यवस्था नहीं है, ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं चाहे वो ग्रास रूट लेवल के हों और चाहे वो हाईएस्ट लेवल पे हों, जनरली सभी के साथ एक मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरीज का, क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक्सपेक्टेशंस, जैसे एक आप लोग सभी एग्री करेंगे इस बात से कि हम गवर्नमेंट से बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स की हम बहुत बहुत करते हैं ठीक है ना, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई बात नहीं करता है। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है। जो लोग आप लोगों में से मेरे ख्याल से सभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही रहे होंगे अभी, तो ये कंट्राडिक्शन है हमारी सोसाइटी में।
एज ए सिविल सर्वेंट मेरी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं, मैं अपनी डिलीवरीज के लिए कॉन्शियस नहीं रहता हूँ, मतलब बोथ हैंड्स पे है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये मतलब आज से 70 साल पहले भी था ये कन्फ्लिक्ट, और मेरे ख्याल से मतलब पेसिमिस्टिकली सेइंग आज से 170 साल बाद भी ये कन्फ्लिक्ट रहेगा। तो एज ए इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट आपको इसके लिए परेशान होने की या उसे पर्टर्ब्ड होने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज लुक आफ्टर योर ओन डोमेन। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बॉडी की बात कर रहा था कि आई स्पेशलिस्ट अगर सर्जरी करता है तो वो आई पे ही फोकस करता है, वो ये नहीं देखता कि यार ये पेशेंट है, ऐसा तो नहीं इसकी लंग्स में भी कहीं कोविड का कोई इन्फेक्शन हो, वो नहीं उस टाइम ध्यान देता है वो, क्योंकि अगर वो ध्यान देने लग जाएगा तो उसका आंख का ऑपरेशन खराब हो जाएगा। हमारे एक मित्र हैं मल्ले चतुर्वेदी, कानपुर के बड़े लीडिंग आई स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्हीं से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि वो अपनी स्पेशलिटी के अलावा दूसरी स्पेशलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। और सिंपल रीजन कि अगर उसको कोई किडनी में प्रॉब्लम होगी तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा वो, या नेफ्रोलॉजिस्ट साथ में उसको असिस्ट कर देगा। तो एज ए इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट पहली बात तो आपको अपनी इमेज या अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक आपका एनर्जी वेस्टर होगा अकॉर्डिंग टू मी। चिंता आपको क्या करनी है कि मुझे जो असाइनमेंट दिया गया है, एज लॉन्ग एज आई एम होल्डिंग दिस असाइनमेंट आई शुड बी डिलीवरिंग माई बेस्ट एंड आई शुड बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टूवर्ड्स माई सबऑर्डिनेट्स ऑल्सो। कि आपके साथ जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है उसमें आप देखिए कि क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इफ ऑल ऑफ अस स्टार्ट डूइंग इट, वही जो एक मैं अनुराग एनेक्डोट की बात कर रहे थे, एक दृष्टांत में वेदांत मतलब जो अपने नीति कथाएं उसी से देना चाहूंगा कि आप लोगों ने कोई नई नई बात नहीं है, जो एक तालाब में दूध डालने वाली बात थी कि सभी को एक एक गिलास दूध अपने घर से डालना था, सभी ने यह सोचा कि बाकी लोग तो दूध डाल रहे होंगे, मैं एक गिलास पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इमेज बिल्डिंग में यही चीज कहूंगा कि हम अगर अपने हिस्से का दूध तालाब में डालते रहे तो आई थिंक दैट विल डू मैजिक। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मतलब ये सभी के लिए जवाब है कि आप अपना रोल सही करेंगे तो पूरा देश सुधर जाएगा। दो चीजें, एक तो मल्ले भैया की कॉशियसनेस बहुत फेमस है, और दूसरी चीज ये कि आपने संविधान का नाम लिया तो यहाँ कुछ लोगों के जो जंगल से वो हरे हो गए। तो आपने, अच्छा आपने संविधान का नाम लिया तो यहाँ कुछ लोगों के जख्म हरे हो गए। इनका कहना है कि सुबह शाम तक यही पढ़ाते रहते हैं, इनको सुबह 6 बजे बुला के बैठा लिया जाता है और रात तक ये नहीं खत्म करके जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं बेटा, उसमें मैं एक चीज ये कहूंगा ऑन ए सीरियस नोट कि संविधान को आप एज ए फिलोसफी समझने की कोशिश करिए, संविधान को सेक्शन आर्टिकल्स में समझने की कोशिश मत कीजिए। क्यों क्यों एक मतलब राइट टू लिबर्टी क्यों कहा गया है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, वो समझिए उसको, तो आपको शायद मजा भी आएगा उसमें। जी जी जी, बस इन लोगों के साथ एक हम यही करते हैं कि जब हम इनको पढ़ाना शुरू करते हैं तो इनको हम पहले दिन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ाते हैं और उसकी फिलॉसफी जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंडिक विंग है कि हमारा जो भारतीय थॉट से प्रेरित है वो इनको बताते हैं, तो थोड़ा बहुत इनका ठीक हो जाता है। मैम एक सवाल, एक आपके लिए मैम सवाल है, भाभी बोलेंगे हम मैम थोड़ा हमको क्योंकि वो लगता है। एक सवाल पूछा है दिनेश ने, इनका कहना है कि आप चूंकि टीचर ट्रेनिंग से इन्वॉल्व नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन को बिजनेस में बदल देने से हमारा जो एक सिविलाइजेशनल वैल्यूज थी गुरु शिष्य परंपरा की वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, और हमारा जो करिकुलम अभी है वो भी जो है वो इस तरह का नहीं है कि बच्चों को हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से या सिविलाइजेशनल वैल्यूज से जोड़ा जा सके। तो कैसे हम इस वैक्यूम को फिल कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं जिससे कि एक पूरा वो जो इकोसिस्टम था समाज का, अध्यापकों का, हम लोगों के विद्यालय में जैसे होता था कि मतलब हमें कभी फील ही नहीं हुआ कि हम मतलब घर से दूसरे घर में जा रहे हैं, मतलब अध्यापक किस तरह से व्यवहार करते थे कि वो और वही बन करके निकले हैं जो भी आज कुछ हैं उसी की बदौलत हैं। तो वो कैसे
समाज में लाया जाए, कैसे हम टीचर्स गढ़े ऐसे जो इस वैक्यूम को फिल कर सके। देखिए हम लोग आज अभी नई शिक्षा नीति 2020 आ गई है, वो आप सबने उससे परिचित होंगे। 1986 में जो हमारी शिक्षा नीति आई थी उसने बहुत बड़ा हमारा शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान किया, क्योंकि हमने एक तरीके से जो अपने उस समय के शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल जी थे उन्होंने एक तरीके से हमने क्रेता और विक्रेता बना दिया। आज के बच्चे डिग्री खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, डिग्री अर्न करने, हमको डिग्री अर्न करनी है। शिक्षक वही है, उसी तरह से शिक्षा लेकर के आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम बच्चों में उचित संस्कार दें, अच्छी शिक्षाएं हम बच्चों को दें, लेकिन बच्चे ही नहीं है। आज बच्चे पूछते हैं कि हम क्लास करेंगे कि एडमिशन होता है, कि क्लास करना है कि नहीं करना है। इस शर्तों पे एडमिशन होता है, पैसे होते हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और मैं तो सीधे अपने स्टूडेंट से एक बात बोलती हूँ, बेटा हम लोग शिक्षक हैं, आप क्लास में आएंगे वहां पे अमृत की वर्षा हो रही है ना, दो चार बूंद आपको मिल जाएगी अगर आप आएंगे, और आप नहीं आएंगे तो आप उस अमृत से वंचित रह जाएंगे। शिक्षक का कार्य अगर आप एक देखिए तो एक किसान की तरह है, किसान बंजर भूमि में भी इस उद्देश्य से बीज बो देता है अक्सर, कि क्या पता बारिश हो जाए और लहलहा उठे फसल। तो हम शिक्षक का भी यही काम है कि हमारा काम मस्तिष्क में ज्ञान के बीज बोना है। आज हो सकता है वो ज्ञान आपके काम ना आए, लेकिन कभी आपको आवश्यकता पड़े तो वो ज्ञान आपको याद आ जाए, वो ज्ञान आपके हमारे द्वारा दिया हुआ ज्ञान आपके काम आ जाए। अब मैं एक शिक्षिका हूँ तो मेरा एक सीधा सा एक रहता है, मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, अपने बच्चों से कहती हूँ बेटा मैं आप लोगों को बहुत सारे संस्कार की, संस्कृति की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि आप लोग हो सकता है मेरे से पूरी तरह सहमत ना हो, आपके दिमाग में ना आए, या आप उसको कुछ समझना चाहते हो, लेकिन अगर मैं 200 बच्चों को पढ़ा रही हूँ उसमें से 5 बच्चे भी अगर सही रास्ते पे चलने वाले आ गए और उन्होंने समझने की कोशिश किया कि एक शिक्षक का आखिर कर्तव्य क्या है, हमें किस तरह से बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होना है, अगर वो 5 बच्चों ने समझा तो वो 5 बच्चे तो अच्छे शिक्षक बन जाएंगे ना 200 में से। अब वो 5 और को, 5 को और लोगों को अगर 200 को पढ़ाएंगे तो वो 5 अच्छे शिक्षक पैदा करेंगे, वो 5 पैदा अच्छे पैदा करेंगे, ऐसे करके चेन बन जाएगी। और इसके लिए सबसे ज्यादा तो उस चेन में हमारे अपने आप धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सुधार आता चला जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात है आपको माता पिता को भी सीखना है कि शिक्षक की इज्जत करना सीखें। आपके समय में हम लोग, आप लोग दीनदयाल के पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने शिक्षक की जिस तरह से, मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर की पढ़ी हुई हूँ, मैंने बचपन से ही श्लोक और वो सब पढ़ करके करामरे वस्ते लक्ष्मी कर्मद्य सरस्वती ये सब पढ़ के, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ये सब पढ़ करके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आज सबको इस तरह से कक्षा 5 तक ही, कक्षा 5 का बच्चा कुछ नहीं होता है ना, लेकिन तब हमारे दिमाग में ऐसे बीज बो दिए गए कि हम आज भी कोशिश करते हैं कि उस तरह के संस्कार के बीज हम अपने बच्चों को दें, हम अपने परिवारों को दें, हम बच्चों के माता पिता को दें, कि वो बच्चों को सही रास्ते, बच्चे का सफल होने से ज्यादा आवश्यक है कि बच्चा देश का अच्छा नागरिक बने। जब हम अच्छे बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, तो सफलता हमको निश्चित ही मिलेगी। कुछ रह गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया बस मैं, सारे सवाल खत्म हो गए हैं और आपसे बस एक पार्टिंग वर्ड्स, जो भी आप इन लोगों को बताना चाहें और कोई छोटी मोटी इन्हें कहानी सुनाना चाहें अपने वर्क एक्सपीरियंस की, तो और इनके लिए अच्छा होगा, तो ये अनुरोध है बस। अनुराग, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो इतने यंग माइंड से आपने एक मेरा साक्षात्कार करवाया। और मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि सभी बच्चों के क्वेश्चंस से मुझे भी कुछ आत्म अनुभूति हुई और मुझे कुछ सीखने को मिला। मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितना दे पाया हूँ, लेकिन आपसे मुझे मिला है वो मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। तो ये बात है, और जैसा आपने बताया तो मैं एक कहना चाहूंगा जो कई लोगों के मन में शंका भी थी कि
सिविल सर्वेंट्स को क्या परिस्थितियां होती हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, कुछ उसमें क्लासिफाइड बातें हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, उनको मैं ऑब्लिटरेट कर रहा हूं। मैं 2017 से 19 तक जो साउथ कश्मीर है उसमें एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस का इंचार्ज था, जो जब वो पुलवामा अटैक वगैरह हुआ है उस समय पर वो एरिया मेरे ही चार्ज में आता था। और खैर वो दुखद घटना भी हुई, अलग उद्देश्य यहाँ जमशेदपुर आने से पहले। तो बात ये संभवतः जुलाई 17 या कुछ की है कि, और जो लोग जिनके मन में इस प्रकार की शंकाएं भी हैं कि क्या होती, तो मैं एक रियल लाइफ इंस्टेंस बता रहा हूँ, जितना आप लोगों को बताने लायक है वो बता रहा हूँ। तो चूंकि मेरी शिक्षा दीक्षा कानपुर के दीनदयाल विद्यालय में हुई है, अनुराग तो जानते ही हैं, बाकी लोग भी जिनको जानकारी नहीं है बता दूं मैं। तो एक वहां पर एक विचारधारा, एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा कि ये लोग विद्यालय से परिचित हैं और इनके लिए वो मंदिर है, विद्यालय नहीं है। अच्छा। तो मैं भी उसी मंदिर का शिष्य रहा हूँ, इसका मुझे गर्व भी है। तो कुछ ऐसा हुआ कि मतलब वहां पर आप लोगों ने पेपर वगैरह में पढ़ा ही होगा कि पत्थरबाजी होती थी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। एक आप लोगों ने शायद वो मतलब अनफॉर्चुनेट घटना भी देखी होगी कि एक सिपाही के ऊपर लोग थूक रहे हैं और उसको पत्थर मार रहे हैं और वो बेचारा फायर नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें फायर करने के आदेश नहीं थे। ठीक है, तो ये जुलाई 17 की घटना है। मई जून 17 में मुझे कार्यभार दिया गया था वहां पे। जुलाई 17 में एक और यहाँ पे मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि मतलब किसी धर्म विशेष या किसी उसके लिए नहीं है, मैं केवल एक अपने संविधान और अपने रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने जैसा पहले चलता आ रहा था उसमें जो था फ्राइडे प्रेयर होती है, फ्राइडे प्रेयर के बाद लोग डिस्पर्स हो रहे थे, उसमें उन्होंने पत्थरबाजी और बीच में सही किसी एक ने हैंड ग्रेनेड एक सीआरपी पार्टी के ऊपर लॉब कर दिया, उसमें एक जवान हमारा घायल भी हो गया। मैं मौके पे मौजूद था, और भी जूनियर ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, एसपी भी थे, सभी लोग थे वहां पर। हम लोगों ने निर्णय लिया, हमने कहा कि भाई ठीक है, हम इसको मॉब को हैंडल करेंगे, मतलब इस बार हम जाने नहीं देंगे। चूंकि और कोई दूसरा मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं था, तो मुझे चूंकि सरकार ने पावर्स दी हुई है फायरिंग ऑर्डर करने की, मैंने अपनी कैपेसिटी में फायरिंग ऑर्डर कर दी। उस फायरिंग में दो जो उपद्रवी थे वो मारे गए, उनके साथ में कुछ बरामदगी भी हुई, वो अलग विषय है। वो कुछ इस प्रकार हुआ कि अगले दिन मुझे जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी थे उन्होंने बुलाया, भाई आप मेरे ऑफिस में आइए। मैं गया, उन्होंने कहा कि आपको क्या पता नहीं है कि यहाँ पर किस प्रकार से मॉब को हैंडल किया जाना चाहिए। तो मैंने कहा सर मुझे पता है, इसके बारे में मुझे ज्ञान है, तो आपने फिर वैसा क्यों नहीं किया जो परंपरा थी। मैंने कहा सर मैंने वैसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भारत की जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो मुझे कुछ विशेषाधिकार देती है, और मुझे लगा कि मुझे उन अधिकारों का प्रयोग करके और इनको निरुत्साहित करना चाहिए इस मॉब को, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यहाँ पर आए हैं तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आगे से आप ध्यान रखिए इसका, आप करेंगे और आप अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो जो पहले की पॉलिसी है उसके हिसाब से निर्णय लें। मैंने कहा सर इसमें मेरा विनम्र निवेदन ये है कि जब तक मैं रहूंगा अनंतनाग में तब तक मैं भारत के संविधान के अनुसार निर्णय लूंगा, जो मुझे अथॉरिटी दी गई उस अथॉरिटी का मैं जुडिशियस एक्सरसाइज करूंगा, और आपको लगता है कि कहीं मैंने अपनी अथॉरिटी को ओवर एक्सीड किया है तो आप मेरे लिए जो भी रिकमेंडेशन करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और ये मैं कह के सल्यूट करके उनको वापस आ गया। और आगे आपको साउथ कश्मीर की जो घटनाक्रम है उनके बारे में जानकारी है कि अब वहां क्या स्थिति है।
तो वो जो एक फर्म डिसीजन था वो गेम चेंजर साबित हुआ, जिसकी की बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय और तत्कालीन जो गृह मंत्री राजनाथ जी थे उन्होंने तक प्रशंसा की कि भाई हमें इस प्रकार के बोल्ड ऑफिसर्स चाहिए जो डिसीजन ले सके। तो ये मैं एक एनेक्डोट इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कई लोगों के मन में शंका हो गई कि भाई ऐसा करेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा ये फायदा हो जाएगा, अगर आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो मैं 100% तो गारंटी नहीं ले सकता लेकिन 99.99% आपका कोई नुकसान नहीं होगा, जब तक कि आप खुद विदेश या किसी उससे गलत भावना से प्रेरित नहीं है। और एक लास्ट बात मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों आप लोग सबसे पहले जो पेड़ पे अमरूद लगा हुआ है ना अमरूद पाने की कोशिश करो, अमरूद कैसे खाना है इस पे हम लोग बाद में विचार विमर्श कर सकते हैं, अमरूद पाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा की टेक अवे है क्योंकि इन लोगों के दिमाग में आगे के बहुत सवाल होते हैं, मैं भी अक्सर यही बोलता हूँ कि ये प्रोसेस फॉलो करने पर ध्यान दो, जब वो हो जाएगा तब तो जो होना है वो होगा ही। भैया भाभी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं धन्यवाद तो छोटा ही शब्द में क्या ही बोलूं, और बहुत इन लोगों के दिमाग को जिस तरह से इनका एक यंग और बहुत इधर उधर भागने वाला विचलित मन है इनके शंकाओं को लेने के लिए इनको सुनने के लिए, और कोशिश करेंगे कि आगे भी जो है आपका मार्गदर्शन इन लोगों को मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।